सो हेलो एवरीवन, दिस इज जल गुप्ता। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, और इस संयोजन के बाद हम लोग देखेंगे कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और उसके बाद जो इस चैप्टर का यानी जो विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो मेन टॉपिक माना जाता है, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ भी देखेंगे हम, ठीक है ना, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एकदम जानते हो किरचॉफ्स लॉ एकदम कॉमन बेस्ड, मतलब एक रूल बनाया गया, एकदम कॉमन सा सेंस लगा करके उसमें नियम कानून बनाया गया है, जिसको आप एकदम आसानी से समझ जाओगे, आसानी से सीख जाओगे उस रूल को, तो कोई टेंशन नहीं होने वाली कुल मिला करके। तो बात को समझिएगा, कोई यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होगी आपको समझने में, एक एक टॉपिक को हम लोग शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और ये लोकेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार, ठीक ना, ठीक। और देन चलो सीखते हैं यार, सीखने के लिए और सिखाने के लिए किसी जगह की जरूरत नहीं पड़ती, और सब लोकेशन सही होता है, ठीक। तो चलो मजे के साथ सीखते हैं उस चीज को। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। और अब इसके बारे में पता कर लेते हैं यार कि आखिर में प्रतिरोधों का संयोजन क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, इसको पढ़ने का जो रीजन है ना, ये बहुत कमाल का है, बेमिसाल का है। देखो पहला रीजन बताता हूँ, ठीक ना। अगर देखो इसका जो संयोजन है दो टाइप से किया जाता है, लेकिन आपको हम बताते हैं आगे। अगर मान लो कि अगर आप एक तार है, इसी तार में आपने क्या किया कि यहां पर भी बल्ब लटका दिया है, यहां पर भी बल्ब लटका दिया है, यहां पर भी बल्ब लटका दिया है, तो इस तरीके से बल्ब लटकाया है। अब आप चाहते हो कि ये बल्ब जलते रहे, ये बल्ब जलते रहे और ये दोनों के दोनों बल्ब बुझ जाए, है कि नहीं। और यहां पर आपने प्लग लगा रखा है, भैया ध्यान से समझिए, यहां पर प्लग लगा रखा है। अब यहां पर बच्चा समझो कि ये आप चाहते हो कि ये वाला बल्ब जलते रहे, ये वाला बल्ब बुझ जाए। अब चूंकि ये एक ही तार में है, चूंकि ये एक ही तार में है, तो भैया यहां से अगर प्लग बंद कर दोगे ना, तो ये सारा का सारा प्लग जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। थोड़ा बड़ा दिक्कत है कि साला अब हमको चाहिए कि एक ही बल्ब जले। अरे भैया काहे चाह रहे हैं, काहे नहीं चाहेंगे हो, इसलिए चाहेंगे क्योंकि जो बिजली का खर्च है वो कम है। जाहिर सी बात है कि घर के बाहर आप ऐसे ऐसे लगाते हो, है ना, रेलिंग वेलिंग में नहीं लगाते हो, ऐसे ऐसे तीन ठो बल्ब लगाते हो कि झक्कास बढ़िया दिखे, शानदार दिखे, लेकिन तीनों बल्ब जलाना उचित बात नहीं है, क्योंकि आपका उससे बिजली का बिल अधिक आएगा। तो एक ही तार में अगर लगा दोगे, तो अगर चाहते हो कि तीनों के तीनों बल्ब में से एक बल्ब जले और दोनों बुझ जाए रात को, कि रात को एक ही, और मान लो जिस समय झक्कास दिखाना है अपने घर को उस समय तीनों जलाओ, तो ऐसा श्रेणी, अगर मतलब कि ये एक लाइन में जुड़ने का मतलब श्रेणी क्रम होता है, हम समझा रहे हैं, समझिएगा, एक लाइन में जुड़ने का मतलब श्रेणी क्रम होता है, लेकिन श्रेणी क्रम तो फेल हो जा रहा है यहां पर। श्रेणी का मतलब एक के बाद एक आपका जुड़ा रहे, और ये जैसे कि बल्ब है तो ये भी प्रतिरोध का काम कर रहा है ना बच्चा, प्रतिरोध का मतलब धारा का प्रवाह में रुकावट। अरे भैया जब तक कि बल्ब वा करंट लेगा नहीं, धारा का प्रवाह में रुकावट नहीं डालेगा, मतलब करंट वा लेगा नहीं, तब तक ये जलेगा कैसे, तो ये भी तो रुकावटें हुआ ना, बात समझ में आ रहा है। तो श्रेणी क्रम का मतलब इसको एक के बाद हम एक बार क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, लेकिन दिक्कत यहां पर आ रहा था कि फेल हो जा रहा है, काहे काहे कि हम बीच वाला जलाना चाहते हैं, ये दोनों नहीं जलाना चाहते हैं, तो ये फेल हो जा रहा है। तो इसके जगह पर फिर कौन आया, फिर आया आपका समांतर क्रम। समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है कि यहां पर हम इस तरीके से बल्ब को ऐड कर सकते हैं, कि यहां पर इस तरीके से देखो एक ही तार इधर से आएगा, लेकिन एक ही तार इस तरीके से आप जोड़ सकते हो, कितना भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इस तरीके से। अब यहां पर देखो एक ही तार यहां पर आया, एक ही तार तीन भाग में बढ़ गया। अब यहां पर इसके लिए अलग यहां पर प्लग लगा दो, इसके लिए अलग प्लग लगा दो, इसके लिए अलग प्लग लगा दो, तो यहां पर अगर चाहोगे या मतलब कि यहां पर इसके लिए अलग प्लग लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से अलग प्लग लगा दोगे तो ये वाला तो बंद चालू कर सकते हो यहां पर भी आराम से, लेकिन यहां पर देखो भैया यहां पर इस वाले में क्या था, इस वाले में दिक्कत इस बात की थी भैया, कौन सा श्रेणी क्रम में, कि देखो प्लग कहां लगाते भैया, प्लग अगर यहां छोड़ करके यहां पर अगर लगा देते तो ये नहीं जलता साला कभी, है कि नहीं, का ये जलता कभी, अगर ये वाला जो प्लग है मान लीजिए यहां पर लगा दिए तो साला क्या कहते हैं ये नहीं जलेगा, बाकी का दो थे में तो करंट जाएगा, यहां तक नहीं आएगा, या फिर अगर प्लग यहां पर लगा दे तब भी दिक्कत है कि नहीं, अगर प्लग यहां से हटा करके यहां पर लगा दिए तो पता चला कि प्लग ऑन एंड ऑफ यहां तक मान लीजिए करंट आ रहा है, ठीक ना, यहां तक के लिए दिक्कत पड़ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा संभव नहीं है, अगर करंट यहां से आप प्रवाहित कर रहे हो और श्रेणी क्रम में तो तीनों जलेगा, ये नहीं तो तीनों बंद होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन इस केस में क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो। देखो अब यहां पर जैसे कि एक ये भी थोड़ा दिमाग में ध्यान में रखेंगे आप,
कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध का मतलब वही तो होता है ना, धारा का प्रवाह में रुकावट। तो मान लीजिए कभी कभी आपको, मान लीजिए आपके तार में धारा, समझिएगा इस चीज को, इस यूज को भी समझ लीजिए क्यों पढ़ रहे हैं, तब शानदार तरीके से आगे चला जाए। मान लीजिए कि तार है और तार में मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसा बल्ब फिट किए हैं कि इसको केवल करंट चाहिए कितना 5 एम्पियर, और आप तार में प्रवाहित कर रहे हो 50 एम्पियर, तो कहाँ यहाँ पर 5 एम्पियर का ही बल्ब चाहिए इसको 5 एम्पियर, आप दे रहे हो 50 एम्पियर, तो कहाँ हो जाएगा बल्ब फट ना जाएगा गुरु 50 एम्पियर दे देंगे तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ऐसा जुगाड़ दे दे कि यहाँ पर कुल मिलाकर 45 एम्पियर हमारा कैसे होकर के गायब हो जाए, है कि नहीं, और 5 एम्पियर इसको मिल जाए। तो उसके लिए धारा के प्रवाह में रुकावट डालना पड़ेगा, कितने धारा के प्रवाह में रुकावट, 45 एम्पियर रुका जाए, तो यहाँ पर फिर 45 एम्पियर का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रतिरोध लगा देंगे, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह में रुकावट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसको 45 एम्पियर चाहिए, क्या बात समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ गया होगा ठीक ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इसका क्यों पढ़ है ये आपको पता चल गया होगा, पहले के जमाने में हमेशा जो झालर बत्ती आप देखते थे ना वो श्रेणी क्रम में होता था, इसलिए झालर बत्ती अगर कहीं बीच से टूट गया ना गुरु, बीच से टूट जाता था ना साला, पूरा झालर बत्ती खत्म, मतलब पूरा झालर बत्ती खराब। लेकिन आप देखते होंगे कि एक झालर बत्ती में एक तार नहीं दसन तार गया रहता है इस तरीके से, और हर तार का जो इस तरीके से कनेक्शन रहता है, हर तार में अलग अलग बल्ब लगा रहता है, तो यह हर तार का अलग अलग बल्ब क्या मतलब, और सब तार का जो जिसे सेटिंग एक ही तो प्लग से करते हैं ना, कहा कि एक ही तो प्लग तो खोजते हैं ना, लेकिन हर तार में अलग अलग बल्ब लगा रहता है आराम से, और आराम से जुड़ता है, तो ये आपका क्या होता है, ये समांतर क्रम हो जाता है। और पहले के जमाने में एक ही तरवा में सब झालर बत्ती जोड़ देते थे, तो अगर एक बीच से भी बल्ब फ्यूज हो जाता, खराब हो जाता, तो आगे करंट जेबे नहीं करता था, तो आगे करंट हमारा बेकार हो जाता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर संयोजन क्या समझ लिए, कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें एक बताओ समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास प्रतिरोध है 5-5 ओम का, है कि नहीं, 5-5 ओम का है, सॉरी 5-5 ओम का होगा ठीक ना, 5-5 ओम का है, एक और यूज समझ लीजिए भैया 5-5 ओम का है, लेकिन हमें प्रतिरोध चाहिए 10 ओम का, है कि नहीं। अब देखिए, या तो बाजार से हमें सीधे जाकर के 10 ओम का लाना पड़ेगा, या फिर 5-5 ओम में ही ऐसा जुगाड़ कर देंगे सीधे सीधे 10 ओम का बन जाए ये भी, तो यहाँ पर भी इसका क्या करेंगे हम, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो आराम से बन जाएगा, क्या बात समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर मान लीजिए एक हमारे पास क्या है 5-5 ओम का है, 5-5 ओम का है, लेकिन हमें कितना चाहिए, कितना ओम का चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए बहुत कम ओम का, मतलब कि जैसे 5-5 ओम का है ना गुरु, तो 5-5 ओम का चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जो 5-5 ओम का है ये भी 5 ओम का है, और हमें प्रतिरोध ऐसा चाहिए कि दोनों से कम का चाहिए, दोनों से कम इन द सेंस की मतलब कि ये ज्यादा प्रतिरोध, ये ज्यादा करंट को रोकेगा, तो हमें कम प्रतिरोध वाला हमें क्या चाहिए, ये अरे क्या बोलते हैं उसको यार, रेजिस्टेंस वाला, ये क्या बोलते हैं उसको, बोलो जल्दी से, मतलब कुल मिलाकर के कम प्रतिरोध वाला चाहिए ठीक ना, तो कम प्रतिरोध वाला चाहिए। कम प्रतिरोध का मतलब ये होता है बच्चा कि जिस जो करंट को कम रोके, बात समझ में आ रहा है, जिसका कम प्रतिरोध रहेगा, ज्यादा प्रतिरोध है ज्यादा करंट को रोक रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको किस तरीके से हम जोड़ दें, किस तरीके से इसको जोड़ दें कुल मिलाकर के ये कम करंट को रोके, क्योंकि ये ज्यादा करंट को रोक रहा था, तो इसके लिए भी हम जोड़ जाड़ कुछ दिमाग कुछ गुड़ा गणित लगाएंगे जो कि नीचे गुड़ा गणित दिखेगा। आई होप ये आपको झन्नाटेदार समझ में आ गया होगा, और शायद ही इतने सारे एग्जाम्पल किसी ने आपको दिए होंगे, अगर एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिए, नहीं समझ में आया देन कमेंट कीजिए, आपको झन्नाटेदार तरीके से फिर से मैं समझाऊंगा, ऐसा बात नहीं है गुरु ठीक ना ठीक। अब यहां पर देखिए अब उपलब्ध प्रतिरोध से इच्छित प्रतिरोध, हम बोल रहे हैं इच्छित का मतलब कभी मतलब ज्यादा प्रतिरोध वाला मिल गया था कम प्रतिरोध, या कम प्रतिरोध ज्यादा प्रतिरोध वाला, प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है ठीक। इच्छित का मतलब आपकी इच्छा अनुसार ठीक ना, तो ये दो प्रकार से होते हैं बबुआ। अब दो प्रकार से कौन कौन होते हैं देखिए, ये मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, पहला श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा पाश क्रम संयोजन, क्या बात समझ में आ रहा है ना ठीक ना। तो ये दोनों बात आप ध्यान में रखेंगे ठीक। अब यहाँ पर पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, आप पहला देख लेते हैं बच्चा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, उतना ज्यादा बर्डन नहीं लेना है सर में ठीक ना। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज में हम इसको जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है ठीक ना। अब यहाँ पर इस संयोजन में प्रतिरोधों के एक के बाद एक क्रमवार जोड़ा जाता है, मतलब एक के बाद देखो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमने जोड़ दिया, बात समझ में आ रहा है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रतिरूप प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखो ये एक प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा यही होगा, तो दूसरा जो सिरा है दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, तो अगला वाला प्रतिरोध यही है, तो अगले वाले का पहला सिरा और दूसरे वाले का जो दूसरा सिरा है
दूसरे वाले का पहले सिरे से जुड़ा रहता है, यही दोनों जुड़ा हुआ है, फिर दूसरे वाले का दूसरा सिरा जो होगा, दूसरे वाले का दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा तीसरे वाले का पहले से जुड़ा रहेगा। क्या बात, समझ में आ गया? आ गया सर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देख लो भैया, अब यहाँ पर तो यहाँ पर इस ये जुड़ा जुड़ैया समझ गए ठीक ना, किस तरीके से जुड़ा जुड़ैया करना है। अब यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। कहाँ तक? जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर नहीं याद रखना चाहिए, नहीं याद रखना है, अरे याद रहेगा तो अपने बच्चों बाल बच्चों को पढ़ाना यार। चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये R1 हो जाएगा ना, R1, ये R1, R2, R3, 3 प्रतिरोध जुड़ दिया, एक के बाद एक जुड़ा जाता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ जाता है। इतना बात कंफर्म में आ गया, इतना हमने। अब यहाँ पर ट्रिक समझिए, ट्रिक अगर ये समझ गए ना बच्चा तो ये आपके लिए हलवा हो जाएगा। इसका क्वेश्चन, इसका जितना भी क्वेश्चन है बच्चा वो हलवा हो जाएगा। देखो रास्ता बदलने पर धारा बदलती है, अब रास्ता बदलने पर धारा बदलती है। देखो रास्ता क्या बदल रहा है, रास्ता तो एक ही है ना, तो यहाँ पर धारा का मान क्या होगा, समान। अगर इधर से आई जा रहा है बच्चा तो इधर से आई ही आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, इधर से आई ही आएगा। क्या इतना बात फर्क समझ में आएगा, रास्ता बदलने पर रास्ता नहीं बदल रहा है बच्चा, रास्ता नहीं बदल रहा है, रास्ता नहीं बदल रहा है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा, इसीलिए यहाँ पर एक ही रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं। बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है, बिंदु 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 बिंदु, देखो बिंदु कैसे बदलता है। देखो यहाँ पर ये अलग बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है बच्चा, ये अलग बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है बच्चा, ये अलग बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ था, ये बिंदु बदल रहे हैं कि नहीं। देखो ये प्रतिरोध ए और बी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, R2 प्रतिरोध बी और सी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, और R3 प्रतिरोध सी और डी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखो बिंदु बदल रहे हैं, यानी बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है, इसलिए देखो विभवांतर बदल रहा है। ये ट्रिक याद रखो बच्चा, अगर इसको याद रखते हो बच्चा तो एकदम कसम महाकाल की नहीं भूलोगे जल्दी, बात समझिएगा ठीक ना, ठीक। तो जल्दी नहीं भूलोगे अगर आप इस तरीके से इसको याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक। तो इतना बात आप याद रखना ठीक। अब देखो, अब जैसे कि यहां पर ये देखो इसमें एक तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध का मतलब बच्चा क्या होता है ना, मान लो ये देखो तीन प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है बच्चा, तीन प्रतिरोध। तो तीन प्रतिरोध मिलकर जितना काम करेंगे, मतलब तीन प्रतिरोध मिलकर के जितना काम करेंगे, इसके तुल्य मतलब इनके जैसा कोई तो ऐसा होगा ना प्रतिरोध जो तीनों के बराबर काम कर सके। ये उसी तरीके से है बच्चा, जिस तरीके से कि तीन इंसान मिलकर के जो काम कर रहे होंगे, एक इंसान जरूर होगा जो तीनों के बराबर काम कर लेगा। क्या इतना फैक्ट, क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा, कि तीन जो मजदूर जितना मिलकर के काम को करेंगे, एक इंसान ऐसा जरूर होगा पावरफुल कि वो आ करके तीनों के बराबर काम कर दे। तो ये जो एक इंसान है बच्चा ना, ये एक इंसान, जो एक इंसान ये वाला है, ये क्या कहलाएगा, तुल्य कहलाएगा। ये वाला इंसान क्या कहलाएगा, तुल्य कहलाएगा तीनों के तीनों प्रतिरोध का। बात समझ में आ रहा है, ये तीनों तीनों इंसान का यहाँ पर, और ये वाला जो प्रतिरोध है, ये वाला जो प्रतिरोध है, ये वाला जो प्रतिरोध है, कौन वाला है, ये वाला जो प्रतिरोध है, ये तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा इन तीनों के तीनों का, क्योंकि ये तीनों के तीनों का अकेला काम कर लेगा। तो देखो तुल्य प्रतिरोध का भी तो सर्किट खींचना पड़ेगा ना, तुल्य प्रतिरोध में केवल एक ही प्रतिरोध होगा क्योंकि वो अकेला काफी है। तो देखो बच्चा एक तुल्य प्रतिरोध का हमने यहाँ पर सर्किट खींच दिया, ये तुल्य प्रतिरोध का सर्किट खींचा है कि वो जो तीन वहां पर प्रतिरोध जो मिलकर काम करेंगे, ये अकेला काम कर देगा, वोल्टेज यहाँ पर एक ही होगा, जाहिर सी बात है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो बच्चा कि ओम के नियम से वोल्टेज आपके डिफरेंट है, इसलिए वोल्टेज का मान अलग अलग निकल जाएगा। V बराबर में IR आप जानते हो, क्लास 10th से ही, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। प्रथम प्रतिरोध के लिए बच्चा कितना हो जाएगा, प्रथम प्रतिरोध के लिए विभव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा कितना कितना हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू में IR1 हो जाएगा। द्वितीय प्रतिरोध के लिए V2 इक्वल में IR2। अरे यार कुछ नहीं किया है यार भैया, प्रथम प्रतिरोध के लिए R1, धारा का मान बराबर होगा क्योंकि रास्ता समान है, रास्ता समान, धारा का मान समान, बिंदु अलग अलग, देन वहां पर विभव का भी मान अलग अलग। ये ट्रिक याद कर रखो केवल। अब यहां पर देखो, यहां पर जो R1 R2 सब अलग अलग प्रतिरोध के लिए तो अलग अलग होगा ना, क्या इतना बात समझ में आ रहा है। जैसे V3 के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, वही बात होगा, V3 के लिए IR3 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक ना, यानी V1 V2 V3 निकल जाएगा कुल मिलाकर आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप नेट प्रतिरोध मतलब नेट विभव निकालोगे, परिपथ का नेट विभव अगर कितना है, तो क्या करोगे बच्चा, पूरे के पूरे विभव को जोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे 2 रुपया और 5 रुपया जोड़ के 7 रुपया होता है, वैसे ही क्या कर दोगे आप यहाँ पर विभव को भी जोड़ दोगे, ये एक अदिश राशि है। तो V1+V2+V3, तो यहाँ पर आपका जो मतलब कि टोटल जो क्या आ जाएगा,
आपको जो विभव आ जाएगा सबको जोड़ दो। अब वी वन वी टू वी थ्री का मान यहाँ पर एकदम सिंपल रूप से रख दो, वी वन का मान आई आर वन हो जाएगा, वी टू का मान आई आर टू हो जाएगा, वी थ्री का मान आई आर थ्री हो जाएगा। यहां से आप बच्चा देखोगे आई यहां से कॉमन आई, यहां से भी आई, यहां से आई भैया आई कॉमन, सबको बाहर खींच लाओ। अब आई कहां चला जाएगा, ये देखो आई अभी गुणा में है तो नीचे चला जाएगा यानी भाग में चला जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो इतना बस दिमाग में याद रखना कि ये भाग में चला गया। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर v by i देखो r बराबर में क्या होता है, v by i होता है बच्चा, तो यहां पर कुल मिलाकर क्या कर दोगे, r तुल्य बराबर हो जाएगा r1 plus r2 plus r3, तो यहां पर ये हो जाएगा, तो ये वाला r1 plus r2 plus r3 हो जाएगा, कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे कि आर तुल्य बराबर तीन प्रतिरोध लिए थे, अगर एन प्रतिरोध हो गया, एन का मतलब बहुत ज्यादा प्रतिरोध, पता नहीं है कितना लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, अब ये उसी तरीके से बस जोड़ देंगे जैसे ये आर वन आर टू आर थ्री जुड़ा उसी आर एन तक ले जाएंगे बस। अब यहां पर देखो बच्चा, यहां पर इस बात को समझना, ये जो फॉर्मूला है ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे, यहां पर देखो बच्चा, अब यहां पर अगर आप देखोगे कि v बराबर में आई आर है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया करंट कांस्टेंट था ना, क्योंकि आप देखे कि अगर एक ही मतलब रास्ता सेम था, रास्ता सेम में क्या होता है करंट कांस्टेंट था, अरे i1 का i2 थोड़ा ना हो जा रहा था भाई साहब, ये करंट क्या था कांस्टेंट था, तो यहां पर ये कांस्टेंट रहेगा ही। अब यहां पर क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। बात इतना समझ में आ रहा है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। अब यहां पर आप देखोगे भैया, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर v का जो मान है ना, हम तीन लिए है ना, कि यहां पर r1 r2 r3 r3 तक तीन लिया था, ठीक ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा v1 v2 v3, इस तरीके से आप अनुपात में लिख सकते हो। यहां पर कहने का मतलब है कभी भी अनुपात में आपको वोल्टेज दे दिया तो उससे आप क्या सीधे सीधा निकाल सकते हो, किसका प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो, कब, यदि हमारा धारा कॉन्स्टेंट है। बात समझ में आ रहा है, तो इसका यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो अपने अगले प्यारे से टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है बाहुबली, नहीं उसी का सेकंड भाई यानी पार्श्वक्रम संयोजन, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। क्या आता है? जो कि बहुत ही ज्यादा यूज में आता है, तो इसको देख लेते हैं पार्श्वक्रम संयोजन आखिर में है क्या। बात समझ में आ रहा है? तो पार्श्वक्रम संयोजन यानी समांतर क्रम संयोजन में देख लेते हैं कि हम आखिर में जो प्रतिरोध होते हैं उनका किस तरीके से संयोजन करते हैं। देखो ये एकदम सिंपल टाइप से संयोजन है इसका, ठीक है ना, कोई कठिन बात नहीं है, वो इसे भी आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। देखो करते क्या है इसमें, कि जो भी संधारित्र जुड़ा रहेगा सबका एक छोर, सबका देखो एक छोर किसी एक बिंदु पर, देखो एक बिंदु पर, और सभी सॉरी संधारित्र नहीं सभी प्रतिरोध, यहां पर प्रतिरोध का सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर बच्चा, और जो दूसरा सिरा है, ये देखो दूसरा सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा होगा दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, कि यहां पर जितने भी प्रतिरोध आपने जोड़ रखे हैं उन प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ जाएगा। इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, और इसी तरीके से इसका संयोजन किया जाता है। संयोजन का मतलब जुड़ाव, कैसे जुड़ा जा रहा है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे किसी एक बिंदु पर आपस में जुड़े होते हैं, वेरी गुड, तथा इसी तरह दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, बस बात ही खत्म। अब यहां पर जैसे हम हमेशा तुल्य एक प्रतिरोध ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, तुल्य प्रतिरोध का मतलब बच्चा कि जितना ये तीनों मिलकर के काम करेंगे कांड करेंगे उतना ये अकेले मिलकर के कर सकता है, मतलब अकेले कर सकता है, मिलेगा क्या, अगर अकेला आइए तो मिलेगा क्या, तो ये तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। इसमें समझाने के लिए हमने यही बात आपको बताया है कि यहां पर अगर तीन लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं, अगर इसी काम को एक लोग मिलकर कर दे रहा है, तो ये तीन लोगों के तुल्य ये वाला इंसान यानी ये वाला हसमुख लाल ये एक माना जाएगा, मतलब ये तीनों का काम अकेले कर सकता है, यानी ये तीनों के तुल्य है यानी तीनों के बराबर है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से इन तीनों प्रतिरोध के बराबर होगा एक हमारा प्रतिरोध, तो इसका भी सर्किट डायग्राम हमने ड्रा कर लिया यहां पर, कि आर वन आर टू आर थ्री ये तो हमारा तीन है, ये अकेला रहेगा। बात समझ में आ रहा? अब यहां पर इसमें बात आपको ध्यान देना है कि अगर रास्ता अलग अलग है बच्चा, क्या रास्ता अलग अलग है, तो यहां पर धारा का मान अलग अलग आएगा। यहां पर हमने एक चीज गलत लिखा है कि यहां पर धारा I1 होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर धारा I1 होगा, यहां पर धारा I2 होगा, यहां पर धारा I3 होगा। ये बात समझ, क्यों, रास्ता अलग अलग है, रास्ता जब अलग अलग होंगे तो धारा का मान अलग अलग आएगा, ये ट्रिक एकदम याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर रास्ता एक ही होंगे तो धारा का मान समान होगा, श्रेणी क्रम में रास्ता एक ही थे इसीलिए धारा का मान क्या था, समान था, क्या था, समान था, लेकिन रास्ता अगर अलग अलग हो गए बच्चा, तो यहां पर आपका क्या होगा, कि यहां पर
जो धारा का मान है वो भी अलग अलग हो जाएगा। और यहां पर अगर बिंदु एक है, बिंदु कैसे, देखो यहां पर ये वाला जो प्रतिरोध है वो भी देखो एक यही बिंदु पर जुड़ा हुआ है, ये वाला प्रतिरोध इसी बिंदु पर, ये वाला प्रतिरोध इसी बिंदु पर, और दूसरा भी यही बिंदु पर। देखो बिंदु कैसे एक है, देखो समझना क्या, अब बिंदु देख लिया, दो बिंदु है लेकिन तीनों के तीनों प्रतिरोध इन्हीं एक ही बिंदु पर जुड़ा हुआ, यानी आर वन प्रतिरोध ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, वेरी गुड। आर टू प्रतिरोध ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, वेरी गुड। बिंदु एक ही थे पहले वाले के लिए भी, इसके वाले भी, नीचे वाले भी देखो बिंदु एक ही है। तो अगर बिंदु समान है तो वहां पर वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। क्या इतना बात, क्या ये ट्रिक आपके दिमाग में जा रहा है बच्चा? अगर ये ट्रिक नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर केवल हमारा वीडियो बना है जो कि क्या कहते हैं कि आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में ही, बात समझ में आ रहा है, वहां पर जाकर के देखिएगा वो केवल क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अच्छा ट्रिक अगर ये याद रखोगे तो ट्रिक एकदम जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक ना, अपने बाल बच्चे को ही बता सकते हो कि बेटा बैठो और बैठ कर देखो प्रतिरोध क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, बात समझ में आ रहा है, तो ये बात याद रखना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि धारा का मान अलग अलग है, तो धारा का मान अलग अलग है, धारा का मान निकाल लेंगे ना यार, क्यों उस उतना टेंशन लेने का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर में IR होता है। अब V बराबर में IR यानी I बराबर में क्या आ जाएगा भैया, V बाई I आ जाएगा, चूंकि हमारा करंट का वैल्यू अलग अलग है क्योंकि रास्ता अलग अलग था, तो यहाँ पर कुल मिला करके ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो V बराबर IR, I बराबर V बाई R प्रथम प्रतिरोध के लिए। अब प्रथम प्रतिरोध का मतलब R1 के लिए, तो देखो वोल्टेज का मान समान था, वोल्टेज का मान समान क्योंकि रास्ता एक, रास्ता अलग अलग था, तो वोल्टेज रास्ता से, हाँ रास्ता से ही मतलब है, लेकिन यहां पर बिंदु देखोगे एक था तो इसीलिए क्या हो गया, वोल्टेज का मान भी एक ही हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? द्वितीय प्रतिरोध के लिए देखेंगे तो द्वितीय प्रतिरोध के लिए कितना हो जाएगा, आई I2 बराबर V बाई I2। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? ये द्वितीय प्रतिरोध के लिए हो गया, ठीक ना। यहाँ पर धारा का मान अलग अलग है इसलिए धारा का मान निकाल रहे हैं, वोल्टेज का मान सेम है क्योंकि बिंदु सेम होंगे तो वोल्टेज का मान सेम होगा, बिंदु अलग अलग होंगे तो वोल्टेज का मान भी अलग अलग होगा। जैसे मैं एक बार फिर से याद करा दूं तो ये जब श्रेणी क्रम जुड़े थे, देखिए यहाँ पर ये A और B बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो प्रतिरोध है ये B और C बिंदु के बीच में, देखो बिंदु अलग अलग हो गए तो वोल्टेज का मान अलग अलग, बात समझ में आ रहा है, वोल्टेज का मान अलग अलग। यहां पर क्या है कि बिंदु एक ही था, सारे के सारे प्रतिरोध A और B बिंदु के बीच में ही जुड़ा है बच्चा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर जो आपका AB जो यहां पर हो जाएगा बच्चा, कि यहां पर जो वोल्टेज का मान हो जाएगा वो समान हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? चलो इतना में कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई आपको। तृतीय प्रतिरोध के लिए, तृतीय प्रतिरोध के लिए उसी तरीके से निकाल लेंगे, तृतीय प्रतिरोध के लिए जो हमारा करंट का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बाई में आर थ्री हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक ना, क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर तृतीय प्रतिरोध के लिए निकल गया कि R3 बराबर V बाई में R3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिरोध में कुल धारा, धारा का मान अलग अलग है तो नेट धारा निकाल लेते हैं, ठीक ना। अब नेट धारा, अब जैसे देखो यहां पर इसको भी क्या माना जाता है, इसको भी अदिश राशि माना जाता है, इसलिए कन्फर्म नहीं है भाई साहब, देखो ये कन्फर्म नहीं है, आज तक कोई इसके बारे में बता ही नहीं पाया कि अदिश है सदिश है, साला कुछ ना कुछ फंस ही जाता है। ऐसे नियमतः हम जब देखते हैं ना तो ये अदिश राशि माना जाता है, ठीक ना। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, साधारण रूप से जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद ये समीकरण 2, 3, 4 से हम आई वन, आई टू, आई थ्री का वैल्यू रख देंगे। देखो आई वन का वैल्यू कितना था भैया, वी वाई में आर वन था, आई टू का वैल्यू कितना था, इतना था, वी थ्री का जो वैल्यू है इतना है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, वी कॉमन ले लेंगे आप, वी कॉमन जब लेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, वी भी सब जगह एक ही था ना, तो वी कॉमन ले लिया हमने, तो 1 बाय में आर 1, 1 बाय आर 2, और 1 बाय में आर 3 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखिए, यहां पर ये बात आप समझेंगे कि यहां पर वी अभी गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएगा, तो ये भाग में आ गया। अब यहां पर आप जानते हैं कि आर बराबर में वी बाय आई होता है, लेकिन अगर हमें आई बाई वी का चाहिए बच्चा तो इसको उलटना पड़ेगा तभी ये उल्टेगा, है कि नहीं। अगर ये हमें आई बाई वी का वैल्यू चाहिए तो आई बाई वी इतना हो जाएगा, आई बाई वी किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, 1 बाय आर के बराबर हो जाएगा, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए तो 1 बाई आर तुल्य, जो तुल्य, तुल्य का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम बताना रहते हैं कि ये जो सिंगल है ये सब के बराबर है, तो वही बराबर तो आ रहा है ना, क्या दिक्कत है। तो यहां पर आर तुल्य का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस में 1 बाई में आर 1 प्लस में 1 बाई में आर 2 प्लस में 1 में आर 3। क्या इतना दिमाग में चल रहा है बातें, थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं समझा दिया, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही 2x 3x स्पीड में चलते हैं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर, अब जैसे तीन प्रतिरोध जुड़ा था ना बच्चा, अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि अगर तीन प्रतिरोध की जगह पर n, बहुत सारे n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, वो भी पांच क्रम में n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो इस केस में करोगे क्या बच्चा, कि इस केस में तुरंत आप क्या कर दोगे ना कि वैसे ही कर देंगे, और क्या, बस R3 तक पहले था, R3 तक पहले लिखा था, RN तक RN तक RN पता नहीं है ना बच्चा कहां तक गया है, इसलिए RN। अब इस केस में आप जानते हो कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एकदम निश्चित होता है कि नहीं बच्चा, देखो वोल्टेज हम निश्चित, तो वोल्टेज अगर निश्चित है तो वोल्टेज को हटा देने का दिक्कत क्या है, ठीक ना, वोल्टेज नियत है तो वोल्टेज को भी इग्नोर मारो, ठीक ना। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनेगा, जो कि रिलेशन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये न्यूमेरिकल के लिए, बात समझ में आ रहा है, कि आई बराबर में आपने देखा कि वी बाई आर,
वोल्टेज अगर नियत है तो वोल्टेज को हटा दिए तो जो रिलेशन बनेगा रेशियो में, ये रिलेशन बन जाएगा कि आई वन आई टू आई थ्री तीन प्रतिरोध रहेंगे, तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3 और ये अनुपात में होंगे बच्चा, क्या में होंगे अनुपात में। इतना बात को याद रखना कि बच्चा ये अनुपात में होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। अब यहाँ पर देख लो, अब मुख्य बातें क्या है बच्चा कि इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में जुड़े गए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के समान होता है। देखो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मतलब, देखो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रम का मतलब तुल्य प्रतिरोध यही होता है, व्युत्क्रम का मतलब 1/2 मतलब देखो व्युत्क्रम का मतलब जैसे ये सिंपल था, व्युत्क्रम बोलेगा तो 1/r कर देंगे बस, ये बस समझ में आ गया। अब यहां पर देखें तो तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा संयोजन में जुड़े सारे प्रतिरोध के व्युत्क्रम, सारे प्रतिरोध का व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम कर रहे हैं सारे प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दिए का योग का बराबर होता है, तो देखो योग के बराबर हो गया, कौन बराबर होता है तुल्य प्रतिरोध को बोल रहा था तो तुल्य प्रतिरोध तो बराबर हो ही जाएगा। क्या बात समझ में आ गया गुरु? समझ में आ गया सर, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर समान होते हैं, आप जान रहे देख रहे हो यहाँ पर क्या है, बिंदु समान है तो विभवांतर भी समान होंगे बच्चा, बात समझ में आ गया। चलो देखो इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े गए न्यूनतम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। देखो तुल्य प्रतिरोध का मान, जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है, मान लो R1 1 R2 2 हमारे पास दो प्रतिरोध है इस तरीके से, तो तुल्य जब निकालोगे आप तुल्य प्रतिरोध तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर करोगे ना 1/R1 1/R2, क्या बात समझ में आ रहा है, तो 1/1 हो जाएगा बच्चा, 1/2 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे 1+1/2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3/2, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 × 2 हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 × 2 2 × 3 तो आएगा ना, देखो 2 × 2 2 × 3 बटा, अब 2 × 2 और चला गया और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 5, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या लिखा था, इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध यही है ना, नहीं रुक जाओ, तुल्य प्रतिरोध अभी नहीं निकला है, रुक जाओ। देखो तुल्य प्रतिरोध इतना 1/R बराबर में कितना आ रहा था बच्चा, 3/2 आ रहा था, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बच्चा आप R तुल्य बराबर में कितना लिख सकते हो, R तुल्य बराबर में, क्योंकि ये सीधा करेंगे ना बच्चा, उल्टा ही छोड़ दोगे, सीधा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सीधा, अब इससे काटो तो 0.0 कुछ आएगा, 0.0 कितना आएगा 36/18 मतलब 0.6, तो यहाँ पर बोल क्या रहा है आप समझना है, यहाँ पर बच्चा आप समझना है, देखो ये सीधा कर दिया है, समझना ये बहुत आसान है। इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है, देखो तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े गए न्यूनतम प्रतिरोध, संयोजन में जुड़े गए सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। देखो 0.6 कम होगा किससे, 1 से, क्या बात समझ में आ रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान आता है किसका, 500 क्रम संयोजन में, जो अगर आप जोड़े रहोगे, क्या चीज, बहुत सारे प्रतिरोधों को जोड़े रहोगे तो इन प्रतिरोधों में से जब सबसे कम होगा ना उससे भी साला इसका मान कम आता है, क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा, ठीक। अब आगे चलते हैं नए टॉपिक पर, नए टॉपिक नहीं अब सवाल लगा लेते हैं गुरु, बस सवाल तो ही लगाना है ना, अब शानदार फिर किरचॉफ ला पढ़ते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो 4 दिन या 5 दिन में देखिए, कितने भी दिन में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको देखना है। अच्छा इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को, तो क्या लग गया बच्चा, नहीं लगा पाए कोई बात नहीं, चलो देख लो सब आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक ना, देखो यहाँ पर रास्ता एक ही है, रास्ता अगर एक ही है और बिंदु अलग अलग होंगे, ठीक ना, बिंदु अलग अलग तो होंगे यार, बीच में कुछ ना कुछ बिंदु तो होगा, लेकिन हमसे क्या बोल रहा है सीधे क्वेश्चन में, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके वो उसमें आपको एक ही काम करना है कि ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है बच्चा, क्या इतना बात समझ में आ गया। अब देखो ये श्रेणी क्रम में है ना भाई साहब, क्योंकि रास्ता एक ही है। अब यहां देखो R तुल्य बराबर में श्रेणी क्रम में है तो R1+R2 कर दो, यानी 4+12 कितना हो जाएगा 16, ये आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गया, तुल्य प्रतिरोध आपका निकल गया। ये तुल्य प्रतिरोध का मतलब कि जितना ये दोनों मिलकर के काम करेंगे उतना ये अकेला काम कर देगा, ये R तुल्य आपका, क्या इतना बात समझ में आ गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये क्वेश्चन लगाओ जल्दी से, ये क्वेश्चन लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, लगाइए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बच्चा, ठीक ना। चलिए हम बताते हैं, ठीक ना, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए अब यहां पर ये देखें, अब हमने क्या बताया था समांतर श्रेणी में, क्या बताया था कि समांतर श्रेणी में समांतर क्रम में क्या होगा बच्चा कि समांतर क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़ते हैं जुड़े होते हैं उनका एक सिरा एक ही बिंदु पर और दूसरा सिरा भी क्या होता है एक ही बिंदु पर। देखो पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, तो ये भी क्या है आपका भैया, ये भी आपका समांतर क्रम है,
क्या है, समांतर क्रम, श्रेणी नहीं है, ऊपर वाला श्रेणी था, यह भी आपका समांतर क्रम है। तो यह ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, आप देखो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा, हम इसको थोड़ा सा अलग से आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है यही तो होता है ना बच्चा, ये इतना होता है फॉर्मूला। अच्छा यहां पर अगर आप सीधे सीधा क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो यहां पर R1 प्लस R2, R2 प्लस R1 लिख लो, या R1 प्लस R2 लिख लो, या R2 प्लस R1, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। तो यहां पर सीधे सीधा ये 1 बटा R बराबर आ रहा है, तो आपको R का वैल्यू, यानी इसको जब उल्टोगे तो ये भी उलट जाएगा, यानी ये भी R1 R2 और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, R1 प्लस में R2। क्या इतना दिमाग में बात धस रहा है बच्चा, क्या इतना दिमाग में बात आया कि R बराबर में R1 R2 बटे में R1 प्लस में R2 कैसे आ गया, कितना दिमाग में आ बात आया, ठीक ना। तो इस फॉर्मूले को सीधे आप अप्लाई कर सकते हो, देखो कैसे, यहां पर दोनों समांतर क्रम में है तो दोनों को एक बार गुणा कर दो, यानी 16 और 8 को गुणा कर दो इस तरीके से, सॉरी 16 और 8 को गुणा कर देना है ऐसे इस तरीके से, और यहां पर 16 और 8 को जोड़ दो, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा बच्चा, ये 24 हो जाएगा, और काट दो 8 तरीके 24 और 16/3 आ जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, सीधे सीधा आंसर 16/3। तो उतना जाके आपको 3-5 नहीं करना पड़ेगा बच्चा, बस यही बोलूंगा मैं, ठीक ना। 16/3 काट दिए तो 5.3 ये आपका ओम आ गया। क्या इतना बात समझ में आया, इस सवाल को कीजिए जल्दी, इस सवाल को कीजिए, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से कीजिए, नहीं आ रहा तो हम बताते हैं आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या क्या है, देखिए अब यहाँ पर इस तरीके का फिगर है। अब देखो अगर इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को, तो इन दोनों का जो एक सिरा है एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, तो ये तो समांतर क्रम हो गए, तो समांतर क्रम हो गए तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो समांतर क्रम हो जाएंगे तो भैया यही फॉर्मूले पर रख करके, ऊपर 8 है नीचे 8 है तो 8 × 8, देखो यही पे सॉल्व कर लेते हैं, 8 × 8 हो जाएगा बटे में 8 + 8 यानी 16, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, 2 × 4 मतलब 4 आ जाएगा। अब यहां पर ये वाला फिगर कैसे बन जाएगा, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला फिगर, ये ऐसे प्रतिरोध जुड़ा हुआ था और इन दोनों को मिला करके हमारा एक तुल्य प्रतिरोध आ गया ना, ये इस तरीके से, तो यहां पर 4 ओम और यहां पर भी 4 ओम, दोनों श्रेणी क्रम में हो गए यानी 8 ओम हो जाएंगे। बात खत्म यार, जहां पर सवाल शुरू नहीं वहीं पर खत्म, बहुत आसान है। चलो यहां पर देखिए, श्रेणी क्रम में ये देखो पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, अब इस सवाल को लगाइए, इस सवाल को लगाइए। देखिए अब यहां पर इस सवाल को लगाने के लिए ये भी बहुत आसान है, कैसे लगाना है ये आप जानते हो, कैसे लगाना है ये बात आप जानते हो, बखूबी जानते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहां पर ये कैसे लगाना है, अब यहां पर देखिए अगर इन दोनों को देखा जाए तो इनका एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, क्या बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या कर दोगे, 8 × 8 / 8, ये अभी तुरंत निकाला था हमने, कितना निकाला था, 8 × 8 / 16 हो जाएगा बच्चा, 8 × 16 × 2 = 8 आ जाएगा, यानी 4, मतलब इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को हटा करके एक प्रतिरोध हमारा आ गया 4 ओम का आ गया ये, ठीक ना, इन दोनों को हटा करके। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब यहां पर इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो 16 × 16 और 16 + 16 हो जाएगा बच्चा, है ना, फॉर्मूला अभी ऊपर तो प्रूफ करवाया था ना, मतलब दिखाया था आपको करके, तो 16 × 16 को वैसे ही रख दो, मतलब मल्टीप्लाई मत करना यार, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक ना, यहाँ पर खुद कट जाएगा, 16 × 16 = 32 हो जाएगा, ठीक, 16 × 32 हो गया, तो 16 × 32 और 2 × 16 यानी इसका 8 आ जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, तो यहां पर भी एक प्रतिरोध इन दोनों को जोड़ करके 8 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, 8 आएगा, 8 8 8, अब ये क्या हो गया कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, तो 8 × 4 कितना हो गया, 12। क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है बच्चा, कितना बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये 12 कैसे आ गए, इतना बस बताओ हमें, कितना बात समझ में आ रहा है, 12 ओम कैसे आ गया, बात समझ में आ गया। बहुत ही आसान था, बहुत ही सरल था क्वेश्चन, इतना बात समझ में हो गया आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो इसको लगा दो, तो इसको लगाओ, झन्नाटेदार क्वेश्चन है, बवालियर क्वेश्चन है, लगाओ इसको, लगाइए गुरु, इसको लगा के तो दिखाइए, अरे गुरु इसको लगा के तो दिखाइए, बहुत ही आसान है, ठीक ना। अगर नहीं आ रहा है चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक ना, नहीं तो वीडियो को पॉज करो यार, और लगा करके आओ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, लिखो कमेंट में कि सर हमने खुद से लगाया है, ठीक ना, ये बात होनी चाहिए हमेशा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर इन दोनों को देखोगे तो एक बार में नहीं, देखो अगर सोच रहे होगे कि ये समांतर क्रम में क्यों नहीं है, देखो ये प्रतिरोध इस बिंदु पर जुड़ा हुआ है, ए बी पर, और ये सी पर जुड़ा हुआ है, और ये देखो ये भी मान लो सी डी ई पर जुड़ा हुआ है, एफ जी एच सॉरी ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, तो ए और बी को अलग मान लेते हो, मान लो ए ए डैश बी डैश है, ए डैश जी एच। अब यहां पर देखिएगा बच्चा, एक बात समझिए, एक पॉइंट को समझिए, यहां पर समझना पड़ेगा एक पॉइंट को आपको, वो पॉइंट क्या है अभी तुरंत पता चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये पूरा का पूरा समांतर क्रम में एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, चारों प्रतिरोध समांतर क्रम में नहीं, आगे ये बता दें, क्योंकि
जो समांतर क्रम में क्या होता है ना कि जो प्रतिरोध होता है उसका एक सिरा एक बिंदु पर किसी भी प्रतिरोध का और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, मतलब बिंदु समान होता है समांतर क्रम में। तो ये अगर सोच रहे होगे ना कि ये प्रतिरोध ऐसा है जो सब समांतर क्रम में नहीं है, कैसे? देखो ये जो प्रतिरोध है ये प्रतिरोध ए डैश बी डैश पे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको देख लो ना भैया ये बी डैश सी डैश पे जुड़ा हुआ है, और अगर सी वाला देखो जी पर जुड़ा हुआ है, सब अलग अलग बिंदु पर जुड़े हैं भाई साहब, है कि नहीं? अब अलग अलग बिंदु पर है तो यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ये समांतर क्रम में नहीं है। अब श्रेणी क्रम में देख लेते हैं कैसे है। श्रेणी क्रम में देखो, ये श्रेणी क्रम में देखोगे कि यहां पर देखो बिंदु एक ही है और रास्ता क्या है, रास्ता समान है। कहां? इन दोनों के लिए रास्ता तो समान है ना भैया, इन दोनों के लिए। अब कहोगे अरे ये होता रहता रास्ता समान है, मना गुरु जी तो श्रेणी क्रम में करता कहे नहीं। अरे श्रेणी क्रम में नहीं हुई पाई बचवा, बात के समझिए, श्रेणी क्रम में नहीं हुई क्योंकि यहां आपसे देखा रास्ता टूटा था तो ये अलगे चल गए भाई, ये अलगे ना जाता, ये अलग ना तरवा हो गए, रास्ता कहाँ समान रहा, बतवा समझ में आता आवता कि ना, तो समझ जाइए भैया। तो ये क्या हो गया, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों। तो श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे जब तो फिगर कैसा बन जाएगा, देखिए फिगर ये बन जाएगा, दूना चार हो जाएगा, दूना चार हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, ये भी चार हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये हो गया समांतर क्रम में, तो ये चार गुणे चार बटे में आठ हो जाएगा, चार प्लस चार करते हैं नीचे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, चार एवं चार चार आठ, ये दो आ जाएगा, दो आ जाएगा इसका आंसर। क्या इतना बात समझ में आया बचुआ? ये श्रेणी क्रम में सबके मत कर दी है कि सबके हटा दिया, जोड़ दे, लेकिन तीन चार चार आठ हो गई लग, ऐसा ना ही कहे कि ये वाला तरवा यहां से जाकर टूटा था, टूटा था तबे, ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आएगा नहीं? बहुत सारे सवाल लगाएंगे बच्चा, ऐसा बात नहीं है, बस आपको ध्यान से समझते जाना है, हर सवाल को हर क्वेश्चन को आराम से सीख जाओगे एक एक क्वेश्चन को। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये बात ध्यान रखें। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये ट्रायंगल ट्रायंगल खेलेंगे हम लोग, ट्रायंगल ट्रायंगल। अब देखिए इस सवाल को हम, मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि इस सवाल में आप हमेशा कोना से शुरू करोगे। क्या से शुरू करोगे बच्चा? कोना से। कोना कहाँ है? यहाँ पर देखो ये कोना है, इस कोना से शुरू करोगे आप हमेशा सवाल को लगाना। अच्छा ये देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो है, ये वाला जो तार है, ये वाला देखिए, ये वाला तार जो है इसका एक ही रास्ता है, कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक का, कोना से अगर देखना चालू करेंगे, हमेशा कोना से ही देखेगा, जाहिर सी बात है, बात समझ में आ रहा है, हमेशा कोना से ही देखेंगे। तो ये देखिए तार एक ही है, ये देखिए यहां पर कोई बिंदु नहीं है कि तार बट गया है, बिंदु जब रहेगा तब देखा जाएगा। यहां पर ए और बी के मध्य निकालना है हमें बस, ठीक ना? तो ए और बी के मध्य ही तार यहां पर अलग होगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर कोना से देखेंगे तो यहां पर कोई बिंदु नहीं है, यानी ये और ये क्या है अभी किसमें है भैया? तो ये मेरे भैया, मोरे भैया हमारे, ये श्रेणी क्रम में है। अब ये चार ओम को मत कर दीजिएगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि चार ओम यहां से तार बट गया है, या तार अलग जा रहा है, यहां से तार अलग जा रहा है, तो ये चार ओम का अलग तार चला गया है, ये अलग तार, ये देखिए ये दोनों तरवा एक ही है। बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो इधर से भी देखेंगे कि ये वाला तरवा अलग चला गया है, ये तरवा अलग है, तो दोनों तो तरवा अलग ना है भैया, तो ये चार ओम आपका श्रेणी में नहीं होगा, बात सबको समझिएगा। अभी कौन श्रेणी में होगा? तो ई और ई खाली श्रेणी में होगा भाई साहब, तो ई और ई श्रेणी में जब कर देंगे तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो चार ओम आ जाएगा, तो आपका फिगरवा कैसे बन जाएगा? फिगरवा ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? ऐसे ऐसे है, और यहाँ पर फिर ऐसे ऐसे नीचे से है, अभी सॉरी, ओहो, फिगरवा कैसे बन जाएगा? ऐसे, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कैसे इन दोनों हो जाएंगे, इन दोनों एक ही में जुड़ जाएंगे ना, कौन सा, ये जो दोनों है, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो चार यहां पर दो यहां पर। अब इसको देखो ये दोनों किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। कौन से क्रम में हो गए भाई साहब? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे पता चला? देखो दो ई प्रतिरोध का, ये दोनों प्रतिरोध का देखेंगे, दोनों प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा का सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा है, तो ये समांतर क्रम में हो गया कि नहीं गुरु? बात कुछ समझ में आ रहा है? तो समांतर क्रम में यानी चार गुणे चार बटे में चार प्लस में चार, यहां पर कितना हो जाएगा, यानी चार चार आठ हो जाएगा, चार चार नीचे आठ हो गया, और यहां पर कितना दो, और ये हो जाएगा दो दूना चार, तो चार दूना आठ, दूना चार, तो ये दो ओम आ जाएगा। बात का समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए अभी फिगरवा कैसे हो जाएगा, अभी दोनों को जोड़ करके एक बना दिया गया है ना, तो ये फिगरवा वैसे हो जाएगा, यानी यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो। अब यहां पर दिमाग लगाइए ना गुरु, यहां पर दिमाग लगा हुआ चलता नहीं साता। अब देखिए ये एक ही तरवा है कि नहीं, ये एक ही तरवा ना है। अब ये दोनों मिल करके एक ही तार में भिड़ गए ना, पहले दो तार निकल रहा था तब ना समांतर क्रम ये दोनों हो गया था, अब दोनों तरवा एक ही में भिड़ गए, तो अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि ये तार एक ही है, यहां पर नहीं, यहां पर बिंदु है नहीं, यहां पर कट रहा है तार। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
यहां पर कट रहा था तभी तो दूठे तरवा निकल गया था ना, यहां पर कहां कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस श्रेणी क्रम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 6 आंसर, यानी 6 ओम आंसर आ जाएगा, यानी आर बराबर आर तुल्य बराबर क्या कर देंगे भैया, आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री, सबको 2 + 2 + 2 ऐड कर दिए तो 6 ओम आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात को समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। अब जस्ट इसके अपोजिट वही है, कोना से हमने बोला था तो कोना से यही चलेंगे, तो ये दोनों क्या में हो जाएगा, श्रेणी में, क्योंकि ये दोनों एक ही तरवा में है। अब ये दोनों जोड़ करके जो यहाँ पर आएगा ये समांतर में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इस सवाल आप अपने से कर सकते हैं, यानी एक बार श्रेणी में अभी भी फिर तरवा जुड़ जाएगा तो एक बार समांतर में, बस। क्या इतना बात समझ में आ गया गुरु, तो इतना बात समझिएगा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को हम बताते हैं, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, हमने हमेशा बोला है इस टाइप के सवाल में कोनाठी से चलिए ना भैया, कोनाठी से मतलब कोना से चलना है। कहाँ से चलना है भैया, कोना से उठ कर चलना है। दिमाग में बात धस रहा है कि नहीं, कोना से उठ के चलना है गुरु, तो इतना दिमाग में बात रख लीजिएगा कि हमेशा हमें कोना से ही जाना है। इतना बात कन्फर्म, चलते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने बोला हमेशा कोना से देखना चाहिए। देखो अगर बच्चा आप इस कोना से देखते हो, इस कोना से देखते हो, तो यहां पर काम लग जाएगा आपका, क्योंकि ये एक ही तार है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इस कोना से क्यों नहीं। देखो बच्चा, हम अगर इस कोना से लेते हैं, इस कोना से, देखो ये श्रेणी क्रम कभी नहीं है। श्रेणी क्रम क्यों नहीं है, देखो यहां पर बच्चा ये जो तार है ना बट जा रहा है, रास्ता बट जा रहा है, तो रास्ता अगर बट गया तो क्या होगा, ये क्या है, श्रेणी क्रम नहीं है। बात समझिए, ये दोनों अलग अलग तार ना हो गए यार, तो रास्ता एक कहां रहा, ठीक ना। अब यहां पर समांतर क्रम की बात की जाएगी तो मान लो इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी। अब देखो अगर इन दोनों प्रतिरोध को देखेंगे कि समांतर क्रम में तो नहीं है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये प्रतिरोध ए और सी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, और ये प्रतिरोध ए और बी के बिंदु के बीच में जुड़ा है, जबकि हमारा समांतर क्रम में क्या है कि दोनों प्रतिरोध या फिर तीन प्रतिरोध या फिर 10 प्रतिरोध क्या चीज एक ही बिंदु के बीच में जुड़ा होना चाहिए, जैसा कि इस तरीके का था, है कि नहीं। देखो दोनों के दोनों प्रतिरोध क्या है, एक ही बिंदु पर जुड़े हैं, यानी ये प्रतिरोध और ये भी प्रतिरोध दोनों के दोनों प्रतिरोध ए और बी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर बच्चा, यहां पर क्या है कि जो ये प्रतिरोध देखोगे तो ये प्रतिरोध ए और बी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, और ये प्रतिरोध ए और सी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, यानी यहां से काम आपका नहीं बन पाएगा, ना समांतर क्रम ना श्रेणी क्रम में। तो बच्चा कहां से काम बनेगा सर, तो गुरु जी यहां से काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से देख लो अगर इन दोनों प्रतिरोध को केवल देखा जाए तो यहां से ये एक ही तार में है, कहीं से बटा हुआ नहीं है। देखो अगर लाइन अगर खींच देते ना इस तरीके से, तो इसका मतलब ये तार अलग अलग हो गए, ये तार अलग अलग हो गए। देखो तार ये अलग है क्योंकि एक तार आ रहा था और तार अलग अलग हो गए। जैसे एक तार आ रहा था, एक तार में बहुत सारे चीजें लगा हुआ, जैसे बल्ब, फ्रिज, कुर्सी, मेज, सॉरी बल्ब, फ्रिज लगा दिया, टीवी लगा दिया है, ठीक ना, इस तरीके से मोटर वोटर सब लगा दिया है। ले बात समझ में आ रहा है एक तार में। लेकिन यहां से देखो, यहां से ये वाला दोनों तार एक ही है ना, यानी ये दोनों बल्ब मान लो, बल्ब तो एक प्रतिरोध की तरह काम करता है ना भाई साहब, तो ये मान लो, तो ये दोनों के दोनों एक ही तार में लगे हुए हैं। तो ये दोनों देखो, अगर ये दोनों अगर एक ही तार में लगे हुए हैं भैया, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका गुरु जी क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो तीन होती कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों हटा करके अब ये दोनों के दोनों 6 ओम का यहां पर लगा दो, है कि नहीं। अब देखो ये, देखो ये वाला ये प्रतिरोध 6 और 6 ओम का, देखो भैया 6 और 6 ओम का देखोगे तो कैसे आएगा, देखो 6 और 6 ओम जब देखोगे ना, तो ये देखो समांतर क्रम है सर, कैसे, देखो यहां पर अगर इस बिंदु को मान ले बी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दोनों एक ही तार है यहां पर, अभी मत बोलना कि यहाँ अलग तार है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही तार में है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके एक ही तार आएगा ना भाई साहब, भाई साहब इन दोनों एक ही तरवा में थे, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक ही तार ना बनी। तो यहां पर देखो ये वाला जो प्रतिरोध है ए और बी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, यहां पर मान लो ना सी, मान लो सी और बी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, और ये भी वाला जो प्रतिरोध है ये भी सी और बी बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, तो यहां पर बिंदु समान है, यानी ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, और समांतर क्रम में जब बच्चा होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। तो यहां पर 6 क्या जाएगा बच्चा, क्या जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है 6 और 6, तो क्या हो जाएगा 6 × 6 हो जाएगा बच्चा, और नीचे 6 + 6 यानी 12, यानी अगर काट दोगे इसको 2 आ जाएगा, और यहां पर 2 × 6 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया, यानी 3 ओम आ जाएगा, यानी अब इन सबको हटा करके, ये सबको हटा करके एक यहां से नया प्रतिरोध आपका लगेगा यहां पर, और ये क्या लगेगा 3 ओम वाला। क्या बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये और ये प्रतिरोध, ये और ये प्रतिरोध किस में आ गया, ये और ये प्रतिरोध देखोगे बच्चा तो अब आ गया श्रेणी क्रम में। देखो क्योंकि ये तार अब यहां से सब मिला करके आया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर देखो
फिर से अगर समझा दूं, देखो फिगर में अगर समझाने की कोशिश करूं बच्चा, तो यहां पर देखो छोटे का सफर, इन दोनों को मिला करके एक प्रतिरोध बन रहा था ना, तो यहां से ए गया है और इन दोनों को मिला करके एक प्रतिरोध बन रहा था जिसका मान आ रहा 6 ओम, तो ये 6 ओम आ गया। और यहां से देखो ये वाला जो लाइन है ये वाला बना दो, देखो देखो ये वाला लाइन, तो ये अब क्या में आ गया, ये आ गया, कुल मिलाकर के क्या आ गया, ये दोनों क्या आ गया, अब समांतर क्रम में आ गया। अब इन दोनों को जब यहां से एक जो यहां पर आ गया था, ये फिगर वही फिगर है, इन दोनों को जब जोड़ करके हम हटा दिए तो ये देखो पूरा पूरा तार हट जाएगा और यहां पर एक सिंगल केवल तार जाएगा और इस तरीके से बैठ जाएगा। अब ये देखो यहां पर 3 ओम आ गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 ओम बताया था ना, तो यहां पर 3 ओम है और यहां पर 3 ओम है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। क्यों 6 ओम, क्योंकि ये देखिए श्रेणी क्रम है, ये देखो ये पूरा पूरा ये जो सिंगल तार जाएगा बबुआ, जैसे ये तार गया था ना वही वाला तार की बात की जा रही है। अब यहां पर जब इन दोनों को आप सॉल्व कर दोगे, इन दोनों को जब हल करोगे, तो कुल मिलाकर जानते हैं इन दोनों को हल करने के बाद, इन दोनों को जब हल करेंगे, सॉरी यहां पर जब आया था किसको हल करना था हमें, ये देखिए इन दोनों को जब हल करेंगे, कौन 3 और 3 ओम को, तो एक तार नया आ जाएगा हमारे पास, और नया आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से झुक जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो आप देखो ये और ये दोनों कितने हो गए, अब समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में 6 और 6 तो 3 ही आएगा, तो फिर से एक यहां से ये फिर से इतना हट जाएगा, है कि नहीं, ये इतना हट जाएगा, एक नया तार ऐसे जाएगा, कुल मिलाकर के अब कितना हटेगा, देखो इतना का पूरा सॉल्व कर दिया हमने, इतना हट जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर एक और तार निकलेगा और ये इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर फिर से 3 ओम आ जाएगी, फिर से देखो 3 ओम 3 ओम, फिर श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी समांतर श्रेणी इस तरीके से बच्चा बनते जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है। अब ये फिर श्रेणी में आ गया, फिर श्रेणी में आ गया, तो फिर ये पूरा पूरा हट जाएगा, फिर यहां से क्या हो जाएगा, एक ऐसे ऐसे तार जाएगा और फिर यहां से इस तरीके से झुक जाएगा, तो ये फिर क्या किस में हो जाएगा, ये बच्चा ये फिर से समांतर में होगा, समांतर में होगा, तो फिर इतना सॉल्व कर दोगे, फिर क्या आएगा, फिर एक तार आएगा और फिर यहाँ पर ये चला जाएगा, और ये फिर 3 ओम किसमें हो जाएगा, श्रेणी में, श्रेणी समांतर, फिर एक हो जाएगा, फिर वो कितना में हो जाएगा, फिर यहाँ से 6 3 और 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 3 और 3 हो जाएगा 6, तो 6 आ जाएगा, फिर 6 ओम और 3 ओम क्या में हो जाएगा, फिर वो समांतर में हो जाएगा, समांतर में जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आएगा, अगर बच्चा नहीं समझ पाया तो एक बार अपने से लगा कोशिश करो, हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पर मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको हजारों सवाल नहीं लगवाऊंगा रियली, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आप 1000 सवाल लगा लोगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखते समय, समझ जाए कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से शानदार तरीके से बस सीखना है, ठीक ना, ये बात याद रखना है। चलो अब ये सवाल लगा बच्चा, तो ये सवाल लगाइए बच्चा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस सवाल को लगाइए बच्चा, क्या करेंगे इस सवाल को लगाएंगे आप, ठीक ना, लगाइए लगाइए लगाइए, आ गया नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए देखिए मैं बता देता हूं बच्चा, मैं आखिर में हूं क्यों, चलिए देखिए यहां पर बच्चा बोल रहा है, तो V1 V2 का मान ज्ञात करना है, ये कॉमा क्वेश्चन मार्क मान ज्ञात करना है, देखो बच्चा कैसे मान ज्ञात करना है। अब यहां पर ये देखोगे बच्चा कि यहां पर पहली बात तो एक वोल्टेज दे दिया है, लेकिन आप जानते हो कि ये देखो श्रेणी क्रम में है, क्यों, क्योंकि रास्ता एक है, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, इसीलिए वोल्टेज का मान हमें निकालना है। देखो यहां पर ये टोटल वोल्टेज है कि टोटल वोल्टेज कितना दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये जो हमारा जैसे प्रतिरोध है, ये जैसे बल्ब भी है, तो बल्ब भी प्रतिरोध का ही काम करता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है सर, अरे धारा का प्रवाह में रुकावट, जो भी धारा को रोकेगा वो प्रतिरोध कहलाएगा। तो यहां पर बल्ब लगा देंगे तो वो भी तो धारा को रोकता है ना भाई, तब तो बल्ब जलता है ना गुरु, है कि नहीं। तो यहां पर मान लीजिए यहां पर ये बल्ब कितना ज्यादा या ये प्रतिरोध कितना ज्यादा यहां पर वोल्टेज को खींच रहा है, और ये प्रतिरोध कितना ज्यादा वोल्टेज को खींच रहा है, उसी को हमें देखना है, ठीक है ना। पर्टिकुलर ये टोटल वोल्टेज दे रखा है बच्चा। अब देखो वोल्टेज अगर निकालना है तो वोल्टेज निकालने के लिए बच्चा आपको क्या चाहिए, वी बराबर आई बाई आर होता है बच्चा, आर बराबर में वी आई होता है, नहीं नहीं वी बराबर में आई आर होता है, ठीक ना, वी बराबर में आई आर। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए ना, तो बच्चा यहां पर देख लो वी बराबर में आई आर, सही है सही 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 है। तो यहां पर अगर वी बराबर में आई आर होता है तो यहां पर करंट चाहिए, क्या आखिर में करंट कितना प्रवाहित हो रहा है। अब श्रेणी क्रम है तो करंट का मान तो एक ही आएगा, तो करंट को निकालने के लिए करंट बराबर में वी बाई में आर, वीवाई में आर होता है, अरे ओम्स ला केवल लगा रहे हैं यार। अब देखो आई बराबर में वी का मान तो है हमारे पास 24 है, लेकिन आर तुल्य का मान नहीं है। देखो ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में सीधे सीधा आर तुल्य का मान निकाल दो ना भाई साहब, आर तुल्य का मान यहां से निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। क्या बात, इतना बात समझ में आ रहा था। तो भैया तो यहां पर तुल्य प्रतिरोध चौचक करके निकाल लेना यार, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध लिख लेना, और यहां पर आर बराबर में आर1 प्लस आर2 हो जाएगा,
श्रेणी क्रम में, तो आर बराबर आर वन प्लस में आठ, दोनों को जोड़ देना तो यहाँ पर आठ निकल जाएगा, आठ तरीके चौबीस, यानी धारा का मान आ गया गुरु की, यानी यहाँ पर भी तीन एम्पियर होगा, यहाँ पर भी तीन एम्पियर। अरे सर दोनों जगह सेम सेम कैसे, सेम सेम बचवा इसलिए ना क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है क्योंकि रास्ता समान होते हैं भाई साहब। आप देखिए आपको पर्टिकुलर यहाँ पर V1 का मान निकालना है, तो V1 का मान निकालने के लिए आप ये प्रतिरोध लेंगे, V2 का मान निकालने के लिए ये प्रतिरोध लेंगे। V1 का मान अगर निकालोगे तो V1 बराबर में I इंटू R होता है, धारा का मान समान होता है, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध का मान कितना है तीन, तो यहाँ पर तीन तरीके नौ हो जाएगा, नौ ओम। यहाँ पर V2 का मान अगर निकालेंगे भैया, तो V2 का मान I इंटू में R, तो यहाँ पर I इंटू में R कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए I into में R, देखिए यहाँ पर I धारा का मान समान होता है ना, तो धारा का मान समान, और यहाँ पर R, ये R1 कर लीजिए, सॉरी ये R2 कर लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर R2 का मान कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, तो यहाँ पर पांच हैं पंद्रह, तो ये 15 ओम आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गया बच्चा, तो इतना आप समझो बच्चा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चा, उतना भी कठिन नहीं है कि आपका मतलब सांस चलने लगे, सांस नहीं चलेगा यार, आराम से समझ जाओगे, ठीक ना। बहुत ही आसान है ये, वन शॉट वीडियो बन रहा है एकदम शानदार तरीके से, सब समझ जाओगे, ठीक ना। अरे बवाल कर दोगे यार, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, बवाल कर दोगे, ठीक। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक ना। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके फ्रंट पे दिख रहा होगा, ये हमारा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन को आप खुद करोगे बच्चा, और खुद करके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताओगे, ठीक ना। यहाँ पर धारा का मान निकालना है, आगे तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, वोल्टेज का मान दिया है, धारा का मान निकल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आगे निकाल लो क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो परिपथ तो पूरा है, तो पूरे परिपथ में आगे तुल्य परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना, यानी एक आर का सिंगल वैल्यू, और फिर ये वोल्टेज दिया ही हुआ है, तो कुल मिलाकर निकल जाएगा आपका धारा मान, ठीक। अब यहाँ पर जो अगला टॉपिक है उस पर चलते हैं बच्चा, और हम डिस्कस करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता एवं आंतरिक प्रतिरोध, और ये एकदम बेस है, ये आधार है किरचॉफ लॉ का। अगर इसको झन्नाटेदार तरीके से समझ जाए तो किरचॉफ लॉ तो इसे उड़िया दोगे, तुम क्या कर दोगे, उड़िया दोगे। किरचॉफ लॉ क्या कर दोगे भैया, उड़िया दोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो अगर आपको समझना है ढंग से किरचॉफ लॉ को, तो इसको शानदार तरीके से समझो बच्चा, क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो चलते हैं, और ये सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, आंतरिक प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं, ठीक। तो चलते हैं, ठीक ना। तो इस टॉपिक को समझने के लिए चलो इसको शानदार तरीके से एक अलग से पेज पे समझते हैं, क्योंकि फिगर में अगर आपको वन बाय वन ड्रा करके बताऊंगा ना, सिखाऊंगा ना, तो आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक ना। तो चलते हैं यार, देर कौन सा, चलो ले चलो सर, देखो ऊपर ही पेज है, खाली पेज है हमारा, चलो इस पे आप समझते हैं। देखो अब हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं समझने के लिए, जैसे सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इन सब चीजों को समझना है। देखो सिंपल सा एक मैं फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट हमारे पास एक बैटरी है, हमने बाजार से एक बैटरी खरीदा है, ठीक, ये, और ये जब, या फिर बैटरी जब हम बना रहे थे, या फिर बैटरी जब हम खरीदे, या फिर बैटरी जब हम बना रहे थे, ठीक ना। तो जब हम बैटरी बना रहे थे, तो हमारा उम्मीद था भैया कि 40 वोल्ट हमको देगा, इतना बात समझ में आ गया। इस बैटरी को थोड़ा हम बढ़िया से समझाते हैं, ठीक ना। ये इस तरीके से समझिए कि हमें उम्मीद था कि ये जो बैटरी है हमें 40 वोल्ट देगा, चलिए ठीक। अब इस बैटरी को बढ़िया से ड्रा करते हैं कि जैसे बैटरी बनता है कहां, फैक्ट्री सेक्ट्री में, ठीक। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास ऐसे बैटरी है, ये इंटरनल पार्ट बना के आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना, ये इंटरनल पार्ट। बैटरी में क्या होता है, दो आपके टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ये एनोड, इस धनात्मक को एनोड बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बच्चा, कैथोड बोला जाता है। क्या इतना बात समझ में आया, कैथोड। इसके बैटरी के अंदर, यानी इसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा रहता है। जैसे विद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब कि इसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा रहता है। बात समझ में आ रहा है, क्या भरा रहता है, पदार्थ, ठीक। जो कि आप जानते हो विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे H2SO4 मान लेते हैं, ये भी एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, और इसी को तोड़ा जाता है कौन कौन से, H पॉजिटिव में और HSO4 नेगेटिव में, यानी यही आयंस में टूट जाते हैं, और यही क्या करते हैं, HSO4 रहेगा, फोर्थ का नीचे रहेगा बच्चा, समझ जाना, ठीक ना। तो यहां पर बैटरी का ढांचा आप इस तरीके देखते हो, क्या इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा, जब हम बैटरी को बना रहे थे तो हमें लगा था कि ये जो बैटरी है हमें कितना देगा बच्चा, वो 40 वोल्ट देगा, कितना देगा, 40 वोल्ट। यही बैटरी को यहां पर बनाया है बच्चा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्या इतना बात समझ में आ गया। चलिए
लेकिन हुआ यूं हमारे साथ कि जो बैटरी हम लगाए और हमें लगा कि 40 वोल्ट ये होगा और बना करके हम तैयार कर दिए। तैयार करने के बाद हमने इसे क्या किया कि एक बल्ब के साथ जोड़ दिया, है ना, यहाँ पर बल्ब के साथ जोड़ दिया। एंड बल्ब के साथ जोड़ने के बाद ये यही वाला जो बैटरी है यहाँ पर हमने दे दिया जो कि 40 वोल्ट, और बल्ब हमारा जल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा के हम नापे ना, क्या लगा के नापे ना, तो हमको लग रहा है यहाँ पर 35 वोल्ट मिला। बात को समझे, जैसे कि हमने 40 वोल्ट का बैटरी सेटरी से सब बना दिया, बात समझ में आ रहा है, और हमें एकदम कंफर्म था कि भैया 40 वोल्ट देगा। लेकिन यहाँ पर बल्ब जला है, बल्बो जल गया। लेकिन यहाँ पर जब बल्ब के बगलिया में ये जब एक वोल्ट मीटर लगा है तो यहाँ पर बता रहा है कि 35 वोल्ट पहुंच रहा है बल्ब के पास, बल्ब के पास। बात समझ में आ रहा है कि इस बल्ब के पास कितना पहुंच रहा है, 35 वोल्ट। तो आखिर में साला 5 वोल्ट गया कहां, समझिएगा, इस बल्ब के पास कितना पहुंच रहा है, खाली 5 वोल्ट। ये मत बोलिएगा कि आपके बल्ब जल रहा है तो 5 वोल्ट उसमें चला गया। हम बोल रहे हैं कि बल्ब के पास से पहुंच रहा है 35 वोल्ट और ये 35 वोल्ट में ये जल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, तो 5 वोल्ट कहां गया, ये 5 वोल्ट कहां चला गया, इसी का पता लगाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि 5 वोल्ट साला कहां चला गया इसी का पता लगाना है। देखिए यह कहां पर गया, कहां पर, बात को समझिएगा। जैसे ही हम पूरा का पूरा सेटअप कर रहे थे ना जी, यहाँ पर समझिएगा इस बात को, ये पूरा पूरा हम सेटअप कर रहे थे, पूरा का पूरा ये गुड़ा गणित लगा रहे थे कि अपना पूरा बैटरी वैटरी। अब आप जानते हो भैया कि कभी भी जो धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस की ओर होता है, बात समझ में आ रहा है। तो प्लस से माइनस की ओर होगा तो ये सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, ये प्लस से मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है, ये अगर सर्किट बनाएंगे यहाँ पर, हम एक कंप्लीट सर्किट कर दें कि यहाँ पर अगर बनाएंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, रुक जाइएगा, यहाँ से ये इस तरीके से, और यहाँ पर एक मान लीजिए बल्ब लगा दिए हम, और इस तरीके से बल्ब, ये सर्किट यहाँ पर, अब यहाँ से धारा इधर से बाहर, और ये सॉरी यहाँ से ये धारा जो है कि यहाँ से धारा इस तरीके से, ये आई धारा है, इस तरीके से बहता गया और आई धारा इधर चला जाएगा। अब ये आई धारा क्या करेगा, यहाँ भी तो जाएगा ना। अब ये देखिए जो धारा है ना, ये धारा वैद्युत अपघट्य पदार्थ से होकर जा रहा है, कहां से होकर जा रहा है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ से। तो आपको नहीं लगता है कि धारा कैसे प्रवाह होता है, जब आवेश प्रवाह होती है या फिर आयन का प्रवाह होता है। यहाँ पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे और भी आयन्स होंगे, तो यहाँ पर आवेश क्या होगा, आवेश जल्दी से नहीं फ्लो हो पाएगा, या फिर सीधे से समझ सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ में जब ये करंट आकर फ्लो करेगा तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कुछ ना कुछ इस करंट को रोकने का काम करेगा, यानी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी बच्चा इस बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जो कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, यानी आंतरिक प्रतिरोध बोल सकते हो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि 5 वोल्ट कहां चला गया, 5 वोल्ट यहां चला गया मेरे लाल, कि 5 वोल्ट यहां चला गया कैसे, 40 वोल्ट तो था जब तक बैटरी नहीं, जब तक बल्ब नहीं जुड़े थे तब तक धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था। जैसे ही धारा का प्रवाह हो गया, धारा कैसे प्रवाह होता है, जब आयन प्रवाह, जब आयन का फ्लो होगा ना, तो यहां पर आयन का फ्लो होने में क्या होगा, दिक्कत आ रही है। बात समझ में आ रहा है कि धारा के प्रवाह में भी दिक्कत आएगी यार, बाहर से जाहिर सी बात है। तो यहां पर जब तक हम इसको क्या कर रहे थे, जब तक हम किसी बल्ब से नहीं जुड़े हुए थे तब तक 40 वोल्ट था, जैसे ही हम बल्ब से जोड़ दिए यानी धारा हम किसी बल्ब को देने लगे तो क्या हो गया, धारा प्रवाह करने लगा। तो धारा जो यहाँ पर जब प्रवाह करने लगेगा भैया मुरे, तो यहाँ पर जब ये यही धारा जब वैद्युत अपघट्य में जाएगा तो वैद्युत अपघट्य जरूर इस धारा को रोकने का काम करेगा, यानी बैटरी का अंदर भी एक प्रतिरोध होता है जिसे आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। बात इतना समझ में आया कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यही 5 वोल्ट क्या हो रहा है, यही 5 वोल्ट यही रोक ले रहा है। जब धारा यहां से यहां तक जाएगा तो अंदर ये क्या भरा है, पूरा का पूरा यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा है जी, तो यही रोक लेगा। क्या इतना बात समझ में आ गया, तो 5 वोल्ट वहां चला जा रहा है, यानी यहां पर भी तो यही वाला बैटरी है 40 वोल्ट वाला ना, और जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा, और जब धारा का प्रवाह चालू होगा तो यहां पर बहुत कम पहुंचेगा। क्या इतना दिमाग में बात घुस रहा है कि नहीं, कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर बैटरी के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है जिसे आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। अब यहां पर बात समझिएगा, अब यहां पर वैद्युत वाहक बल क्या होगा, तो जब बैटरी जितना हम पाना चाह रहे थे, जितना हम वोल्टेज पाना चाह रहे थे, यानी हमारा मकसद था 40 वोल्ट पाना, तो ये जो 40 वोल्ट है यानी
किसी भी हम किसी भी चीज मतलब जब बैटरी को हम किसी भी चीज से ना जोड़े, यानी हम किसी भी बल्ब से फ्रिज से ना जोड़े, तब बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना उसको बोलते हैं वैद्युत वाहक बल। बात समझ में आ रहा है? यानी बैटरी अभी यूज जब नहीं कर रहे हैं, ये उसी तरीके का है जैसे हम बाजार से गए एक बैटरी ला लिए, बैटरी को रख दिए, तो उस समय उस बैटरी को हम प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, यानी कुछ काम में नहीं ला रहे हैं, तो उस समय बैटरी का जो वोल्टेज होगा उसे बोलेंगे वैद्युत वाहक बल। यानी 40 जो वोल्ट है ये क्या है बच्चा? वैद्युत वाहक बल। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बात समझ में आ गया? यानी वैद्युत वाहक बल। जब हम बैटरी को यूज में नहीं लाते बच्चा, तब उस समय उसका जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं वैद्युत वाहक बल, यानी EMF। क्या इतना बात समझ में आ गया? अब अगला अगर देखेंगे कि यहां पर ये जो 35 वोल्ट आ रहा था, यानी जो 5 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध खा गया उसको, वो 5 वोल्ट के बाद जो 35 वोल्ट आ रहा था 40 वोल्ट में से, ये क्या कहलाता है बच्चा? ये टर्मिनल वोल्ट कहलाता है। इसका मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब बैटरी को काम में लाते हैं, यानी बैटरी को हम क्या किसी बंद परिपथ में जोड़ देते हैं या फिर बैटरी को किसी भी यंत्र के साथ जोड़ देते हैं, तब उस बैटरी का जितना वोल्टेज होता है वो ही वोल्टेज क्या कहलाता है? उसका टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। क्या बात समझ में आया? क्योंकि यहां पर जब हमने जोड़ दिया 5 वोल्ट तो खा गया ना, अब यहां पर जितना भी वोल्टेज हमारा बच रहा है, जितना भी बल्ब के पास जा रहा है, वही क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहां पर अब ये बात एकदम कंफर्म कि इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, इस बात को इस तरीके से कंफर्म तरीके से समझ सकते हैं। कैसे बच्चा? कि अगर बैटरी है बाजार से लाकर रख दिए, तो इस बैटरी का जितना वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे क्या चीज? वैद्युत वाहक बल। इसका जो वोल्टेज होगा क्या बोलेगा? वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल को ई से दिखाते हैं, ऐसे नॉर्मली इसको ई से दिखाते हैं, लेकिन इसका रियल नाम आप जाएंगे, रियल नाम अगर जानना चाहेंगे तो इसका जो रियल नाम होता है वो होता है झाई। क्या होता है? झाई इसको बोला जाता है, ठीक ना? ऐसे ई बोल सकते हो। ये होता है वैद्युत वाहक बल, यानी बैटरी को बाजार से ले आए और ऐसे रख दिए, तो जो इसका वोल्टेज होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चा? वैद्युत वाहक बल। अब इस बैटरी को क्या किया हम? किसी न किसी बल्ब से जोड़ दिए, तो बल्ब से जोड़ने के बाद इसका मतलब धारा प्राप्त करने लगे। तो मान लीजिए इसका वोल्टेज 50 वोल्ट था, तो अब इस बल्ब से जोड़ने के बाद इसका वोल्टेज कितना बच जाएगा? मान लीजिए 45 वोल्ट बच गया, तो ये हो जाए कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता। यानी बैटरी को काम में जब लाने लगते हैं तब जितना वोल्टेज उसके पास बचता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। क्या इतना बात समझ में आ गया? इसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टता। क्या इतना बात समझ में आ गया? अब यहां पर 50 वोल्ट था, अब 45 वोल्ट बचा, तो 5 वोल्ट कहां चला गया? तो बैटरी के अंदर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, बैटरी के अंदर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो 5 वोल्ट खा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात समझिएगा। अब आंतरिक प्रतिरोध कैसे? वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ के चक्कर में आंतरिक प्रतिरोध इस तरीके से हो जाता है। क्या इतना फैक्ट? क्या इतना बात आपको बच्चा समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो झंडाटेदार तरीके से अब हम चलते हैं आपके नोट्स के ऊपर, ठीक है ना? चलिए चलिए बच्चा, तो आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चा। देखिए अब सेल का वैद्युत वाहक बल टर्मिनल बोलता है, ये सारे के सारी बातें आपको समझ में आ गई, फिगर वही है एकदम जस्ट, इसमें कोई बातें आपको ऐसी नहीं होगी कि समझ में नहीं आ होगी। देखिए एक एग्जांपल बहुत प्रसिद्ध है जो कि बहुत सारे टीचर्स देते हैं, वो समझ लीजिए कि इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 100 रुपया सरकार ने इरेज किया, कि 100 रुपया सरकार ने बोला कि जनता को जाएगा, अभी गया नहीं है, बस सरकार ने बोला। और जब इस पैसा को ले जाने लगे तो जाहिर सी बात है बीच में बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग रहेंगे, और 100 रुपया सरकार दे रहा है तब भी ये हमारे पास 80 रुपया पहुंचा, तो 20 रुपया कौन लोग खा गए? बीच के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो 20 रुपया खा गए ना जी। तो यहाँ पर इससे क्या समझ में आता है कि हमने जो भी हमारा नया नया पैसा जो सरकार देना चाहता था वो EMF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? EMF, यानी वैद्युत वाहक बल कहलाएगा। बीच में जो खा जा रहे हैं, यानी ये आंतरिक प्रतिरोध की तरह काम करेगा, यानी ये स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर से, ठीक ना? और यहां पर जितना पहुंचा, यानी बेट मतलब इतना बीच में खा गए, खाने के बाद जितना पैसा बचता है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टता। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टता। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? तो इससे भी समझ सकते हो, ये भी एक एग्जांपल है, एक ट्रिक है याद करने का, ठीक ना? ऐसी ट्रिक ज्यादा याद रहेगा। समझ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? तो इतना आप बात को समझिए बच्चा, आगे देखते हैं, ठीक? अब देखिए सेल का वैद्युत वाहक बल, इसका अच्छे तरीके से डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि देखिए सेल का वैद्युत वाहक बल कब होगा। हमने बोला बच्चा कि सेल का वैद्युत वाहक बल तब होता है जब बैटरी हम बाजार से लाए उसे काम में नहीं ले रहे हैं। काम में न लेने का मतलब बच्चा ना, उसे वो खुला परिपथ में है। खुला परिपथ का मतलब कि वहां पर स्विच एकदम खुला हुआ है, ऑन नहीं है, यानी उसे हम काम में नहीं ले रहे हैं। तभी यहां पर देखिए लिखा हुआ है, जब एक सेल
खुले परिपथ में होता है अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक ना, नहीं करते हैं, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, तो सेल का दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है, ये भी एक विभवांतर है, तो विभवांतर होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, यानी सेल का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी खुला परिपथ में भैया बाजार से लाकर रख दिए हैं, बस समझ में आ रहा है, यानी या फिर किसी भी कुंजी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी परिपथ में जुड़ा ही हुआ है, तो उसको हम स्विच ऑन ऑन नहीं किए हुए, ऑफ किए हुए हैं, तो जब ऑफ किए हुए स्विच, यानी खुला परिपथ है भैया, बंद परिपथ नहीं है, खुला परिपथ है, यानी स्विच ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, तो यहां पर हम बैटरी का यूज नहीं करेंगे, तो उस समय जब बैटरी का जितना भी क्या होगा विभवांतर होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज था, टर्मिनल वोल्टेज देखिए हम क्या बताएंगे, जब भी बंद परिपथ हो, बंद परिपथ का मतलब अभी हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर वैद्युत धारा का प्रयोग करेंगे, कहां से, बैटरी से, तो जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात इससे धारा प्राप्त नहीं की जा सकती, अर्थात प्राप्त की जा सॉरी की जाती है बंद परिपथ में, है ना, तो बंद परिपथ का मतलब देखो ऐसे, ये बंद परिपथ हो गया, यानी इससे अब बैटरी से धारा जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये बात समझिएगा, तो सेल दो के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल का सेल इस तरीके से था, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होगा, ठीक ना, विभवांतर जो होगा वो क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज था, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, क्या बात समझ में आ गया बच्चा, इतना बात समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के विद्युत अपघट्य पदार्थ, बैटरी के अंदर वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, तो यही वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है, करंट से पहले आगे आप आवेश के बारे में सोचा कीजिए बच्चा, के आवेश को फ्लो नहीं होने देगा, फिर करंट को फ्लो को भी फ्लो नहीं होने देगा, तो वैद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के वैद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल का बैटरी का यह सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है, इसे आर से दिखाया जाता है, क्या बात, इतना समझ में आ गया बच्चा। टर्मिनल वोल्टेज को देखो इससे इस वी से दिखाते हैं बच्चा, इस वी से, यानी इस वी से वैद्युत अपघट्य पदार्थ को इस ई से दिखाते हैं, जिसको झाई भी बोला जाता है, क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा, अगर इतना बात समझ में आ गया बच्चा तो झन्नाटेदार ये कुछ नहीं है टॉपिक आपके सामने, अब किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ना उससे आप झन्नाटेदार तरीके से समझ जाओगे इस लॉ को जानने के बाद, क्या बात समझ में आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, तो चलिए फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक, तो यहां पर देखिए अब मान लीजिए भाई साहब कि यहां पर देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है, बताते हैं ये क्या है, ये देखिए हमने अभी आपको आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताया, तो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना बच्चा वो हमेशा बैटरी के बगल में होता है, एकदम जस्ट बैटरी के बगल में, ये आंतरिक प्रतिरोध है, और इसको किससे दिखाएंगे, स्मॉल आर से, ये हमारा एक बैटरी लगा हुआ है, अब इसका वैद्युत वाहक बल यानी ये वोल्टेज ही है बच्चा, ये समझिएगा। अब बच्चा एक बात समझिए, एक आप एकदम सिंपल सा फैक्ट ये बात जानते हो कि जितना आप दोगे उतना ही तो कोई लेगा ना, जैसे आप किसी को 10,000 रुपया दे रहे हो तो 10,000 रुपया लेगा, 20,000 तो ले लेगा, आप सोचो कैसा बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बस एक पॉइंट याद रखना बच्चा कि जितना आप दे रहे हो किसी को उतना ही वो लेगा, यानी अगर हम ई दे रहे हैं वोल्टेज तो ई वोल्टेज ही सब में बटेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर देखिए यहां से अगर जाएंगे तो यहां पर ये जो आई और इंटू में आर यहां पर ये वोल्टेज बढ़ गया बच्चा, समझिएगा आई इंटू में आर यहां पर एक वोल्टेज बढ़ गया, अरे क्या चीज ओम्स लॉ से ये भी तो वोल्टेज है ना भाई साहब, आई इंटू आर, तो यहां पर एक वोल्टेज बढ़ जाएगा जो कि आई इंटू आर हो जाएगा, देखिए अब यहां से एक करंट गया, यहां पर भी तो एक रेजिस्टेंस है ना, तो यहां पर भी एक वोल्टेज बढ़ जाएगा जिसको आई इंटू स्मॉल आर बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है, ये भी एक वोल्टेज है, बात समझ में आ रहा है, यहां पर भी एक वोल्टेज हो गया, ये क्या होता है कहलाता है टर्मिनल वोल्टता कहलाता है, बात समझ में आ रहा है, ये आंतरिक प्रतिरोध पर वोल्टता है, इसको समझिएगा बच्चा, यहां पर इसको आंतरिक प्रतिरोध पर वोल्टता बोलते हैं, और ये टर्मिनल वोल्टता होता है, ये वैद्युत वाहक बल, क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा, तो जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं वही तो बराबर आएगा ना, यहां से इस वोल्टेज के बराबर, यहां से इस वोल्टेज बराबर, ये भी एक वोल्टेज है, तो IR प्लस IR वही हो जाएगा, क्या बात समझ में आ रहा है, बहुत कॉमन सा चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना देंगे भैया वही वोल्टेज के फॉर्म में बदलेगा, यहां पर आई इंटू आर था तो आई और आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप जानते हो कि वहां पर वी ही आता है, यानी यहां पर वी ही आएगा, यहां पर भी एक वोल्टेज है लेकिन इसके बारे में डिनोशन नहीं दिया गया, मतलब कोई भी डिनोट नहीं किया गया है कि आई इंटू आर को क्या लिखेंगे, लेकिन इसको वी लिख सकते हैं, ये भी वोल्टेज है यार, आई इंटू आर मतलब धारा इंटू प्रतिरोध, तो वोल्टेज ही तो होगा, तो जितना दिए उतना ही बट गया, क्या बच्चा बात समझ में आया कि नहीं, ये बात बताइए, आ गया सर, बवाल करवा दिया, आ गया, देखिए अब इसका नामकरण देख लीजिए, नामकरण क्या हो जाएगा, ई बराबर में विद्युत वाहक बल, ये क्या टर्मिनल वोल्टता कहलाता है, ये आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर की हानि, या फिर देखो प्रतिरोध है ना तो हानि बोल दिया गया है, या फिर आंतरिक प्रतिरोध पर वोल्टता भी बोल सकते हो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये विभवांतर के हानि बोलो, क्योंकि ये रियली में बहुत ज्यादा हानि कर देता है, जिसे 45 दे रहे हैं तो केवल 40 है, यानी आंतरिक प्रतिरोध है अंदर अंदर खा जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है,
हानि बोला जा रहा है। इतना बात समझ में आ गया बच्चा। अब उसी फॉर्मूले को कि V E बराबर में V प्लस में आई आर अपने लोगों ने पढ़ रखा है, तो ये देखो अब जो E है, जो आई आर है, आई आर को इधर ले गए, आई आर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और V बराबर आ जाएगा V बराबर में E माइनस आई आर, कुछ मिलाकर पंचांतर कर दिया गया। क्या इतना बात दिमाग में आ गया बच्चा? इतना बात अगर दिमाग में आ गया बच्चा तो चलते हैं और आगे बात कर देते हैं, ठीक ना। इतना बात कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे बच्चा, हम विश्वास के साथ हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आपको अपने बच्चों को कि ये बात आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलो अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि किरचॉफ का नियम, हमने बताया था आपको कि ये किरचॉफ का नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ये किरचॉफ का नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चा, इसीलिए इसको ध्यान से आपको सीखना है, ठीक। तो यहां पर चलते हैं और सीख लेते हैं, बात समझ में आ रहा है। देखो किरचॉफ का नियम, अब किरचॉफ का नियम कब अप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन लगाया बच्चा पार्टी, कैसे वहां पर अभी हम लोगों ने मतलब कि लेक्चर में देखा, इसी लेक्चर में देखा कि प्रतिरोध, प्रतिरोध पे बहुत सारे क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं उसको देखा, वो कैसे कैसे क्वेश्चन लगाना है उसको देखा, बात समझ में आ रहा है बच्चा। लेकिन अगर प्रतिरोध में जब भी पता ना चले कि श्रेणी में है, समांतर में है, मतलब परिपथ एकदम कठिन वाला दे दे, परिपथ का दे दे एकदम कठिन वाला दे दे, तो उस समय हमारा सवाल नहीं लग पाता है बच्चा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा बच्चा कि किरचॉफ लॉ कब अप्लाई करना है, किरचॉफ लॉ तब अप्लाई करना है जब आपका एकदम श्रेणी समांतर ना पता चल पाए, या फिर बहुत कठिन परिपथ दे दिया हो, नहीं समझ में आ रहा है कि साला कैसे लगेगा, तो इसीलिए एक कॉमन सा सेंस पे, एकदम कॉमन सा सेंस पर एक नियम दिया गया है जो कि किरचॉफ नियम है। जटिल परिपथों के लिए ऊपर है किरचॉफ, यहां पर ये समांतर रहेगा, किरचॉफ द्वारा परिपादित दो नियम निम्न प्रकार हैं, तो दो नियम यही दिए हैं, एक ये नियम एक और नियम, बात समझ में आ रहा बच्चा। तो ये समझ में आ गया कब यूज करना है, कब कैसे प्रयोग करना है, और यहां पर आप दो नियम है तो दो नियम कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं बच्चा। क्या इतना बात समझ में आ रहा बच्चा? एकदम साधारण तरीके से सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बस थोड़ा सा बने रहना है, ठीक ना। चलो अब यहां पर चलो दिमाग लगाते हैं यहां पर बच्चा। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी सॉरी क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम उसी को बोलते हैं संधि नियम। क्या बोलते हैं बच्चा? संधि नियम। और उसी को बोलते हैं किरचॉफ करेंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? किरचॉफ करेंट लॉ बोलते हैं। KCL इसी को बोला जाता है, जंक्शन लॉ इसी को बोला जाता है। जंक्शन का मतलब संधि होता है। क्या इतना बात समझ में आ गया? अब चलिए इस नियम को देख लेते हैं। इस नियम से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सर बिना पढ़ाए नियम, मतलब बिना पढ़ाए नियम हमसे क्वेश्चन पूछेंगे आप? हाँ बेटा पूछेंगे, कैसे नहीं पूछेंगे बताइए, कैसे नहीं पूछेंगे, चलिए पूछेंगे, काहे नहीं पूछेंगे, तो जरूर पूछेंगे। चलिए पूछ लेते हैं हमसे क्वेश्चन एक, तो फिर आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक तार है और ये तार इस तरीके से गया है, ये तार इस तरीके से गया है कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये एक तार ऐसे निकल गया है, एक तार ऐसे निकल गया, एक तार ऐसे गया, ओहो एक तार ऐसे गया, ठीक। अब यहां पर मान लीजिए कि इस ऐसे हमने 5 एम्पियर इधर से और 3 एम्पियर इधर से, मतलब कुल मिलाकर के हमने कितना धारा दे दिया, 5, 3, 8 एम्पियर धारा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए इस तार में 2 एम्पियर की धारा गई तो इसमें बताइए, तो इसमें कितना धारा जाएगा? तो यहां पर आप बोलोगे अरे भैया बहुत ईजी है, 5 और बराबर होगा इधर मतलब आई प्लस में 2, यानी यहाँ पर 5, 3, 8 और ये 6 एम्पियर की धारा जाएगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब 8 इधर से जा रहा है तो 8 इधर से भी जाना चाहिए। हाँ जी 8 इधर से जाएगा। और जिन बच्चों को लग रहा हो कि ऐसे क्यों आखिर में, तो आप धारा को पानी की तरह समझा करो हमेशा, मतलब एक करंट को धारा को पानी की तरह समझा करो। देखो दो पाइप गए, दो पाइप ऐसे गए और दो पाइप फिर यहां पर एक ऐसे लुल्ले, मतलब के क्या बोलते हैं, एक तरीके का मतलब कुंडी लगा करके या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके जोड़ दिया गया है और फिर पाइप को ऐसे कर दिया गया है। तो भैया जितना पानी इधर से डाल रहे हो उतना ही पानी तो इधर से निकलेगा ना। हाँ कम बेसी निकल सकता है कि इसमें से कम निकले, इसमें से ज्यादा निकल जाए, इसमें से ज्यादा निकल जाए, इसमें से कम निकल जाए, ऐसे हो सकता है। लेकिन जितना अगर 10 लीटर पानी डाल रहे हैं, 5, 3, 8, 8 लीटर पानी डाल रहे हैं, 8 लीटर निकलेगा ना बात। अरे पाइपवा पनिया के खाद थोड़े जाए गुरु, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से धारा होता है कि धारा भी क्या होगा कि जितना हम दे रहे हो उतना ही निकलेगा। अब जैसे कि वो एक सेकेंडरी केस आ जाता है कि थोड़ा सा ये दो तार का चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। हाँ तो पॉइंट वाइंट में मान लीजिए वो खींच लेगा,
अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी जितना धारा देंगे भैया उतना ही धारा निकलेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अरे पाइप में भी तो हो सकता है ना कि पाइप में थोड़ा सा पनिया चिपक गया, तो बोलोगे अरे पनिया तो एकदम नेट नहीं है, अरे थोड़ा मोड़ा चलता है उसमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर पहला जो नियम कहता है ना, किरचॉफ का प्रथम नियम, ये बोलता है कि भैया जितना धारा आप दे रहे हैं ना उतना ही धारा जाएगा। कहाँ से? तो जंक्शन से। अगर दो तार को ऐसे जोड़े हैं तो यहाँ से जंक्शन बन गया कि नहीं? दो तार का जुड़ाव एक संधि कहलाता है, यानी जंक्शन कहलाता है, वही तो है ना। तो जितना धारा आप देंगे ना एक पार से उतना ही धारा ओह पार जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? उतना ही धारा कहने का मतलब है बच्चा कि निकलेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? कि जितना धारा देंगे मतलब जंक्शन पे जाने वाली धारा तथा जंक्शन से निकलने वाली धारा का मान हमेशा बराबर होता है। अब देखो फिगर देखो, एकदम कॉमन सी बात है कि जितना देंगे भैया उतना ही बाहर निकलेगा, मतलब जितना पानी दे रहे हैं उतना ही पानी उधर से निकलेगा। तो यहाँ पर जंक्शन में धारा कौन कौन से जा रहा है? I1, I2, I3 और ये वाला धारा I4, I5, I6। अब कुछ बच्चे पूछते हैं हमसे कि अरे ऑफलाइन क्लास में कि अरे इसको तो I1 होना चाहिए था, I1 इसको होना था, I2 ये हो जाता, I3 हो जाता। अरे ये थोड़े ना पता है हमको कि भैया कि इसमें से जितना ई धारा दे रहे हैं उतना ही ई धारा निकलेगा। कहने का मतलब है, पानी के एग्जांपल ले लो, कि कहने का मतलब है कि अगर ये पानी इधर डाले हैं और यहाँ पर बीच में बड़ा सा नाली लगा करके फिर तीन पाइपों निकाल दिया गया है, तो यहाँ पर पता थोड़ा ना है कि हाँ ई पाइपों में से उतना ही पानी निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर ऐसे एकदम बड़ा सा नली है, तीन पाइप ऐसे जोड़ दिया गया है और यही तीन पाइप ऐसे निकाल दिया गया है, तो यहाँ पर ये जरूरी थोड़ा है कि जितना पनिया इसमें से जा रहा था उतना ही पानी निकलेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ इतना पता है कि टोटल पानी अगर 50 लीटर दे रहे हैं तो 50 लीटर निकलेगा, उतना पता है हमको। ये जरूरी नहीं है कि जितना ही पाइपों में पानी डाल रहे हैं वही पाइपों में उतना ही पानी निकलेगा, अलग अलग हो सकता है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना बात समझिएगा। तो यहाँ पर बस आप सुनने, संधि पर आने वाली धारा वो बराबर होगा संधि से जाने वाली धारा, यानी I1, I2, I3 हो जाएगा, I4, I5, I6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो I1, I2, I3 वो बराबर होगा किसके? इन तीनों के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो कि ये संधि पर जा रही है धारा, तो इसको क्या लिख सकते हो? संधि पर जा रही है यानी इनकमिंग, यानी संधि पर आना इनकमिंग हो जाएगा, और संधि से जा रही है ये, संधि से जब जा रही है, संधि पर आना और संधि से जाना दोनों अलग अलग बात है। यानी संधि पर आने का मतलब कि ये संधि पर जा रही है, यानी I1 I2 संधि पर आ रही है और संधि से जा रही है, यानी आउटगोइंग हो जाएंगे। क्योंकि अब दोनों, अब अगर दोनों को अगर इसको इधर ले आया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बचा? कुछ नहीं बचा था, जीरो बच गया। तो यहाँ पर इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जाने वाली धारा तथा आने वाली धारा का बीजगणितीय जोड़ हमेशा शून्य होता है। देखिए यहाँ पर ये बीजगणितीय जोड़ हो जाएगा कि नहीं गुरु? ये बीजगणितीय जोड़ का मतलब ये नहीं, अभी योग का मतलब कोई समझते हैं कि प्लस है, प्लस होना चाहिए। बीजगणितीय योग का मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बीजगणितीय योग ये हो जाएगा, आई बराबर में जीरो हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए लिखा है किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो किसी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होती हैं उनका जो बीजगणितीय जो योग होता है वो शून्य होता है। बात समझ में आ रहा है? इसको देखो और भी बढ़िया तरीके से समझ जाओगे नीचे, अगर नीचे अगर हम लोग देखें तो। अब समीकरण से समीकरण वन क्या था? वही I1, I2, I3, यही समीकरण वन यही था ना गुरु? गुरु जी समीकरण वन तो यही था, ये देख लीजिए स्वाहा। तो ये समीकरण वन यही था। अब इसी समीकरण को दोबारा हम क्या कर ले रहे हैं? ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बच्चा पार्टी क्या बात समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, इतनी गारंटी हमारी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? तो समीकरण एक से। समीकरण एक में देखो I4, I5, I6 सब समीकरण के इस तरफ था, तो उठा करके सब इस तरफ ले आए तो सब माइनस में हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर देखो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा। अब देखो सबका बीजगणितीय योग है ना, ये माइनस देख के मत बोलना कि बीजगणितीय योग माइनस कर दिया है तो योग क्यों बोल रहे हैं, वो बीजगणितीय योग प्लस माइनस में रहेगा तब भी आप बच्चा बोल सकते हो, ठीक ना? तो ये इस एक्सप्रेशन को बस इस तरीके से लिख सकते हो, बस इतना समझिए। बात समझ में आ गया कि नहीं? इतना बात समझिए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये इस एक्सप्रेशन को बस इतना लिख सकते हो, इतना बस समझना है कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक ना? बीजगणितीय योग को समझाने के लिए ये लिखा गया है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ये जस्ट एकदम यही वाला है, ये वाला डेफिनेशन। अगर आप देखोगे कि संधि बिंदु पर जितने भी धारा प्रवेश कर रही हैं वो बराबर होंगी संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि संधि से जितनी भी धारा, संधि पे बोल सकते हो आप कि संधि पे जितनी भी धाराएं जा रही उनका जो योग होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो संधि से, फिर बोलोगे बच्चा संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। क्या इतना दिमाग में बात आ गया बच्चा? क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा?
है कि नहीं, है कि नहीं, आ गया होगा। तो चलिए, एकदम कॉमन सा है यार, हमने बोला ना, हमने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था, एकदम कॉमन सा, एकदम साधारण सा, एकदम कॉमन सेंस पे। जाहिर सी बात है यार, जितना देर हो पाइप में पानी उतना ही बाहर निकलेगा। ये जो अब ये जरूरी नहीं है कि जितना ही पाइप में दिए हैं उतना ही पाइप से निकले, है कि नहीं। बीच में जंक्शन, बीच में मोट का पाइप लगा दिया गया है, तो इस पाइप में अलग अलग पानी जा सकता है ना, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये बात समझिएगा। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर वही चीज था कि संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली धाराओं का जो योग होता है वो संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये हमारा सबसे बेस्ट एकदम क्या है, डेफिनेशन है। क्या बात समझ में आ रहा है, योग के बराबर होता है। ये नियम आवेश संरक्षण नियम पे आधारित है। देखो, आवेश संरक्षण नियम का मतलब, आवेश संरक्षण का नियम ये बोलता है बच्चा कि आवेश को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर आवेश संरक्षण, जैसे कि अब यहां पर देखो, आवेश संरक्षण कैसे हो जाएगा, अब यहां पर धारा भी ना ही खत्म हो रहा है, एक जगह से हम दे रहे हैं, है कि नहीं। एक जगह से हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, एक जगह से हम दे रहे हैं धारा को, ठीक है ना। तो एक तरफ से दे रहे हैं धारा, तो उतना ही धारा निकल रहा है, ये नहीं कि धारा खत्म हो जा रहा है, ऐसा बात तो नहीं है। और धारा से पहले क्या आता है, आवेश आता है। तो इस बात को समझिएगा, आवेश संरक्षण नियम का मतलब कि धारा धारा को भी संरक्षित कर रहा है। यहाँ पर बच्चा समझिए एक बार, इस पॉइंट को बस समझिए कि जितना धारा दे रहे हैं उतना ही तो बाहर निकल रहा है ना, हानि नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर इसका जो धारा वो संरक्षित है, संरक्षित का मतलब कि जितना दे रहे हैं उतना ही मतलब बचा हुआ है। अगर 8 एम्पियर दे रहे हैं तो 8 एम्पियर ही निकल रहा है उधर से, यानी धारा हमारा बचा हुआ है, यानी वो संरचित है, इसलिए आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। अब आवेश संरक्षण इसलिए बोला जाता है क्योंकि धारा से पहले आवेश आता है, यानी जब तक आवेश प्रवाह नहीं होगा तब तक धारा भी नहीं आएगा बच्चा, इसलिए इसको आवेश संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए बोला जाता है। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा, तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए बच्चा, आपका जो है अगला टॉपिक है वो किरचॉफ का द्वितीय नियम है। क्या बच्चा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अब इस नियम को देख लेते हैं बच्चा और शानदार तरीके से समझ सकते हैं। ये एकदम भी मतलब दोनों के दोनों नियम एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन। और अभी जो बताया है ना, विद्युत वाहक बल समझ गए ना, तो ये सब हलवा हो गया आपके लिए। क्या हो गया, हलवा एकदम। बात क्या समझ में आ रहा है बच्चा, तो एकदम हलवा हो गया। इसको एकदम देख के डरिएगा मत, एकदम देख के डरिएगा मत, एकदम हलवा हो गया है। एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा समझने में, ठीक। बस विश्वास कीजिए हमारे ऊपर और भैया के नोट्स के ऊपर, नोट्स आपको फ्री मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है बच्चा, तो एकदम चलिए इसको समझ लेते हैं फटाक से, ठीक। तो यहां पर इसके जो दूसरा नियम है ना, उसको समझने के लिए देखो, उसको समझने के लिए हम सिंपल सा क्या कर लेते हैं, एक सर्किट मान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्किट मान लेते हैं, ये भी सर्किट अभी समझेंगे। यहां पर देखिए भैया, कि यहां पर हमने सिंपल सा एकदम साधारण सा एकदम बोलो सिंपल नियम है ना, सिंपल सा सर्किट, यहां पर एक सिंपल सा सर्किट मान लिया है जिसका जो वोल्टेज है यानी जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, ई है। अब यहां पर इस वोल्टेज को लगाने के बाद यहां पर एक प्रतिरोध हमने लगा दिया है। प्रतिरोध का मतलब बल्ब समझ लो या फिर फ्रिज कूलर कुछ भी जुड़ा हुआ है, ठीक ना। यानी कुल मिलाकर प्रतिरोध है, तो इसका तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, इस नाम को सुनने के बाद, यानी प्रतिरोध के नाम को सुनने के बाद तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि धारा के प्रवाह में रुकावट। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा, ये धारा के प्रवाह में रुकावट है। अब यहां पर बच्चा एकदम सिंपल सा फैक्ट आप जानते हो कि यहां पर अगर अगर जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही तो ये प्रतिरोध लेगा ना। मतलब यहां पर 10 वोल्टेज ले रहे हैं, 10 वोल्टेज दे रहे हैं तो उतना ही यहां पर खर्चा होगा, उससे ज्यादा नहीं खर्चा होगा, उससे भले ही कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं खर्चा होगा। अगर प्रतिरोध इतने वोल्टेज के हिसाब से लगाया है तो उतना ही खर्चा होगा। एक कॉमन सा फैक्ट, एक कॉमन सा चीज समझिए बच्चा, कि जितना वोल्टेज दे रहे हैं क्या उतना ही तो खर्चा कर पाएगा ना। 20 रुपया दे रहे हैं तो 20 रुपया खर्चा करेगा ना, ये नहीं कि 50 रुपया खर्चा कर देगा, ऐसा तो बात नहीं है। जितना देंगे उतना ही खर्चा कर पाएगा, तो जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही खर्चा ही कर पाएगा। अब एक टाइम के बाद खर्चा कर देगा तो बंद हो जाएगा, बैटरी खत्म। लेकिन लेकिन बच्चा एक फैक्ट, एक साधारण सा बात समझो कि जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही वोल्टेज ये लेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, यानी आप यहां से देखो, ये जो वोल्टेज है यानी इस बैटरी कारण धारा प्रवाहित हुआ, ये धारा गया और आई और इनटू में आर, ये आप ओम्स के लॉ से जानते हो कि वी के बराबर होता है। देखो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना बच्चा वोल्टेज धारा रेजिस्टेंस में, तो ओम्स लॉ पर हमारा इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का एक वीडियो बनाया हुआ है। थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा बच्चा, लेकिन आप ऐसा समझोगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे उस चीज को। इस तरीके से हमने एकदम साधारण भाषा में बताने की कोशिश की है, तो इस बात को समझिएगा। यहां पर आप बच्चा ये समझिए कि यहां पर जितना दिए हम उतना ही लेगा, यानी जो ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, आई आर के बराबर हो जाएगा। आई आर को आप वी लिख सकते हो, बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर एक
चीज कंडीशन होता है बच्चा कि यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध हम पढ़ रहे थे ना, वो आंतरिक प्रतिरोध का मान जीरो मान लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध कुछ भी धारा को नहीं रोक रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब धारा के प्रवाह में रुकावट नहीं है, इसको जीरो मान लिया जाता है। किस केस में? केवल किरचॉफ के द्वितीय नियम में। तो मतलब उसको जीरो मान लो, छोड़ो हटाओ उसको, जीरो मान लेते हैं, ठीक है हटाओ, अब इसको एकदम नेग्लेक्ट करिए, बस इतना समझिए कॉमन सा सेंस है कि जितना वोल्टेज देंगे उतना ही ये खर्चा कर पाएगा, उससे नहीं, उससे अधिक नहीं, यानी जो विद्युत वाहक बल होगा इसके बराबर हो जाएगा। और ये IR का जो नाम है ना भैया, नाम देखिए किताबी में लिखा है प्रतिरोध पर वोल्टता, तो इसका नाम बस कि प्रतिरोध पर वोल्टता, यानी प्रतिरोध कितना वोल्टेज खर्चा कर रहा है ना, वही है ये, बस इसका नाम आप ध्यान में रखेंगे कि ये प्रतिरोधों पर वोल्टता है। क्या इतना बात कंफर्म हो गया बच्चा? ठीक है ना, एक फिगर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा फिगर देखिए, दूसरा फिगर जस्ट इसी के सिमिलर है, एकदम जस्ट उसी के जैसा। यहां पर दो बैटरी लगा दिए हैं, तो दो बैटरी जितना भी वोल्टेज देंगे उतना ही तो ही लेगा ना, श्रेणी क्रम में है, धारा का मान समान होगा। तो जितना हम यहां पर जितना दो वोल्टेज, मतलब दो बैटरी से जितना वोल्टेज दे रहे हैं, यानी वोल्टेज का जो योग होगा, जितना ये खींचेगा, जितना ये लेगा, उतना ही के तो बराबर होगा ना गुरु, है कि नहीं? बात तो समझिएगा। तो ये IR1 प्लस में IR2 के बराबर हो जाएगा, सिंपल सा बात। तो I1 प्लस में E2 बराबर में IR1 प्लस में IR2 हो जाएगा। तो यहां पर कुल मिलाकर के जितना देंगे उतना ही लेगा। जैसे हम वहां पर विद्युत वाहक बल का जब फॉर्मूला आपको बता रहे थे, तभी हमने बता दिया था कि E बराबर में होता है V प्लस में IR। अभी इस चीज को जानते हैं, इस चीज को विधिवत में प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक ना, चिन्ह परिपाटी से। बात समझ में आ रहा है? लेकिन बस इतना आप समझ जाइए, इतना बात समझ में आ गया तो नीचे चलते हैं। अब इसका डेफिनेशन आगे देख लेते हैं। अब देखिए डेफिनेशन से पहले आगे हम इस चीज को देखिए, जिसे अब दो हमने क्या कर लिया है, बैटरी जोड़ रखा है, मान लीजिए बहुत सारा बैटरी जोड़ दिया, सबको जोड़ेंगे तो सबका हमें बीजगणितीय योग लेना पड़ जाएगा, और ये समेशन IR के बराबर होगा। इतना क्या बात समझ में आ गया बच्चा? इतना कंफर्म बात बच्चा ना? अगर देखो इसको जब ऐसे कर लिख दोगे, अगर जैसे ये है तो इसको IR लिख दोगे तो बराबर में जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए बच्चा यहाँ पर, अब जैसे E1 E2 है, क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बलों का योग इसको बोलेंगे, और नीचे वालों को क्या बोलेंगे बच्चा कि प्रतिरोध। रुक जाइए, कहीं गलती हो रहा है बच्चा, कहाँ क्लिक कर दिए, कहाँ पे चला गया, रुक जाइए। तो देखिए बच्चा, तो इतना तक समझ गया कि इसका नाम क्या है, इतना तक। अब यहाँ पर ये वाला हमने बता दिया कि बहुत सारा बैटरी जोड़ेंगे तो अरे यार जितना आप दे रहे हो उतना ही तो खर्चा करेगा ना, इतना बात सीधे सीधा समझो एकदम झन्नाटेदार तरीके से, एक एक चीज समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो डेफिनेशन के तौर पे इसी को बस याद रखना, फॉर्मूला बस याद रखना गुरु, फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणित योग उस लूप में, तो देखो क्या बोल रहा है, किसी बंद लूप में। हमेशा याद रखेगा कि जो द्वितीय नियम है, द्वितीय जो नियम है, ठीक ना, वो हमेशा किस पे मतलब कि हमेशा बंद पास के लिए ही लगता है। द्वितीय जो आपका नियम है ये वाला, कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, यानी इसको लूप नियम भी बोला जाता है, तो ये हमेशा बंद पास, लूप का मतलब बंद पथ, एक बंद लूप का मतलब बंद एक पास, बंद एक लूप, ठीक ना। बात क्या इतना समझ में आ रहा बच्चा? इतना अगर बात समझ में आ रहा हो तो देखो यही बस याद रखिएगा, किसी बंद लूप में, बंद लूप की बात की जा रही है, प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणित योग, प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणित योग, प्रतिरोधकों, ये प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणित योग इसी को बोला जाता है। अच्छा वोल्टताओं क्यों बोला जाता है? क्योंकि भैया IR बराबर V होता है, इसीलिए। अब बीजगणित योग, बीजगणित योग क्या होता है? योग उस लूप में स्थित सेलों के, उसी लूप में स्थित, इसी ये जो लूप में दो बैटरी लगा रखे थे, इसी लूप में स्थित सेलों के बीजगणितीय, सॉरी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। तो उसी लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बल यही तो है ना, का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या इतना बात समझ में आया बच्चा? देखो फिर से समझा रहा हूं कि बंद लूप होना चाहिए, अब प्रतिरोधकों का वोल्टताओं पर, समझो कि यहां पर इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग, ये प्रतिरोधकों पर वोल्टता इसको बोला जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होता है बच्चा, वो क्या होता है? बराबर होता है किसके बच्चा? तो यहां पर क्या होता है कि उसी लूप में, उसी सर्किट, उसी परिपथ में स्थित क्या चीज, सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
इतना क्या बात समझ में आ गया इतना बच्चा? बस यही है डेफिनेशन, बस ये फॉर्मूला याद रखोगे दोनों नियम के केस में, फिर एकदम हलवा कर दोगे एकदम, ठीक ना, एकदम मट्ठा मह दोगे, बात समझ में आ रहा है? तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जो आगे का है ना कि अब किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कुछ चिन्ह परिपाटी है जो कि आपको समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है बच्चा? चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो चिन्ह परिपाटी को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, तो चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं, जैसे कि क्या क्या है वो एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी में क्या करना है कि देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है, जिसमें धारा किधर से बह रही है, इधर से बह रही है, और आप किधर से जा रहे हो बच्चा, आप किधर से जा रहे हो, आप इधर से जा रहे हो। देखो तो रास्ता अगर आपका क्या दिशा विपरीत है तो उसको हमेशा पॉजिटिव में लोगे। अब देखिए ये वोल्टेज कैसे आ गया, ये धारा वोल्टेज भी बराबर में आई, तो वोल्टेज तो लेंगे ना, आईआर ले लेंगे, पास में मारा तो वो हमेशा धनात्मक लेंगे। कैसे? अगर आपका धारा की दिशा इधर है, आप उस धारा की दिशा के विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो विपरीत दिशा में क्या लेते हैं, वो प्लस में ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं, प्लस में। जितना भी समझाया जा रहा है एकदम शांति सम्मान से उसको बस सुनते जाओ। अगर धारा की दिशा में धारा इधर जा रहा था, आपकी भी दिशा इधर है, तो आपकी भी दिशा इधर है और धारा की भी दिशा इधर है, तो उस केस में माइनस मिलेंगे, यानी दिशा समान, तो यहाँ पर माइनस में, दिशा विपरीत तो प्लस में, थोड़ा उल्टा चलता है इसमें। सीधा भी ले सकते हो, सीधा भी ले सकते हैं, हम जैसे उल्टा बता रहे हैं तो उल्टा सीखो और यही आप अप्लाई भी करना, कुल मिलाकर के थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक ना, तो यही बस चिन्ह परिपाटी को ध्यान से समझते जाना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक आपके पास बैटरी है और आप इधर से आ रहे हो और आपको क्या चाहिए, धनात्मक बैटरी का टर्मिनल मिला, आप इधर से आ रहे हो, बैटरी का धनात्मक टर्मिनल मिल गया तो उसको माइनस में ले लेंगे। देखो उल्टा है ना, तो उल्टा बस याद रखना, ठीक ना। आप इसका उल्टा भी ले सकते हो कि जैसे जैसे जितना भी हम बता रहे हैं ना उसका सब उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन वो हर 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 किताबों का अलग अलग है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे भी कर सकते हो, अगर इसका उल्टा भी लोगे तो वही आंसर आएगा, कोई अंतर आंसर नहीं, आंसर में अंतर नहीं आता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हिचकिचाइएगा नहीं। अगर हम आ रहे हैं और हमको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाता है तो माइनस होगा, अगर हम आ रहे हैं इधर से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो उसको प्लस ले लेंगे, यानी विद्युत भाग बल वोल्टेज प्लस में हो जाएगा। अगर आप देखो ये क्या है, हमारा एक संधारित्र है, संधारित्र की तरफ आ रहे हैं हम और अगर हमें पॉजिटिव वाला प्लेट मिल गया तो ये क्या होगा, माइनस में, अगर नेगेटिव वाला प्लेट मिल गया हमें तो ये क्या होगा, प्लस में। क्या इतना बात समझ में आ रहा? बस सब का सब उल्टा में ले लेना है, बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है तो माइनस में, नेगेटिव मिल रहा है तो प्लस में, बस। और ये याद रखना कि तुम किधर जा रहे हो और आपको किधर से कौन सा चीज मिल रहा है, इतना याद रखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। क्या इतना बात समझ में आ गया? अब आपको एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल लेकर के, कि एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा आपको यही एग्जाम्पल दिखाएंगे अभी हम, कि यहाँ पर अभी हम ये सब आपको ऐसे ही कॉमन सेंस पे बता दिए थे ना, कॉमन सेंस पे ये सब कर करके बता दिए थे ना, ये दोनों फॉर्मूला, अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके, बात समझ में आ रहा है? तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ये सबको लिखते जाइएगा। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है यही हमारा दिखा रहा है, ठीक ना, तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम इसको करके दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए अब इसको समझ लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कभी भी किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ लगाना है तो उसके लिए आपको बंद पास चाहिए, यानी बंद पथ, बंद रास्ता चाहिए गुरु, आपको बंद रास्ता चाहिए। देखो तो बंद रास्ता हम कौन सा ले सकते हैं, किधर से भी ले सकते हैं, ले लो आप ए बी सी डी ए ले लो, तो ए बी सी डी ए ले लिए, कोई भी बंद रास्ता ले लो, ठीक ना, सब चलेगा। अब यहां पर देखो अगर ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं है यहां पर। अब देखो बी से सी की ओर जाओ, बी से सी की ओर जाओगे तो यहां पर देखो प्रतिरोध मिल गया, प्रतिरोध यानी आई इंटू आर यानी वोल्टेज। अब देखो हमारा इधर है, हमारा डायरेक्शन किधर है भैया, देखो डायरेक्शन देखो, बी से सी की ओर जा रहे हैं हम, हमारा डायरेक्शन इधर है भैया, और धारा का डायरेक्शन भी समान है, तो जब भी समान रहता था हम बोले ना समान होगा तो माइनस में लेना है, तो इसलिए देखो आई इंटू आर माइनस में ले लिया है, आई इंटू आर हो जाएगा ना भैया, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो सी से डी, देखो सी से डी कुछ नहीं है, अब देखो सी से डी कुछ नहीं है, लेकिन अब डी से ए देखो, डी से जब ए देखोगे तो यहां पर हम डी से ए जा रहे हैं और हमको मिल कहां रहा है, हमको बैटरी का माइनस वाला मिल गया, तो जब भी बैटरी का माइनस वाला लेंगे बच्चा तो कौन, बैटरी का जब माइनस वाला आ जाएगा तो उस समय क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, तो देखो पॉजिटिव ले लिया हमने और बराबर में जीरो, क्योंकि जो पूरा का पूरा मान लो जितने भी सर्किट है तो जितना दे रहे हो वोल्टेज और जितना मिल रहा है वोल्टेज, ठीक ना, दोनों का मान तो बराबर होता है, यानी ई आई बराबर इतना, वो तो कॉन्सेप्ट ऊपर से हमने समझ लिया है, तो ई माइनस में आई आर बराबर में तो जीरो में तो रखते हैं ना, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो ई माइनस में आई आर बराबर में जीरो, ऐसे भी समझ सकते हो कि अब यहाँ पर इसके आगे कुछ है ही नहीं, पूरा पाथ कंप्लीट हो गया तो बराबर में जीरो। तो यहाँ पर बस ये समझो कि हमारा डायरेक्शन किधर सा, डी से ए आ रहे थे, कौन मिला माइनस, तो यहाँ पर प्लस ले लिए उल्टा, और यहाँ पर ये वाला हमारा डायरेक्शन किधर था, हमारा डायरेक्शन अगर हम किधर से जा रहे थे,
ए से बी गए, ए से बी गए कुछ नहीं मिला, ध्यान से देखना, ए से बी गए कुछ नहीं मिला, बी से सी गए हमें प्रतिरोध और मिला, हम इधर जा रहे हैं और धारा की दिशा भी इधर ही है, समान दोनों दिशा है तो वो माइनस में ले लेंगे, और आते गए सी से डी में कुछ नहीं मिला, फिर डी से ए आए, डी से ए आए मैंने आने में हमें लगा हम सॉरी हमें क्या मिला, हमें मिला बैटरी का नेगेटिव वाला पार्ट, तो बैटरी का जब नेगेटिव वाला पार्ट ले लिए ना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे उसको, क्यों उल्टा नहीं चल रहा है, हम उल्टा ले रहे हैं, वैसे आप वो भी ले सकते हो यार, ये माइनस भी ले सकते हो, बस कॉन्सेप्ट के लिए बस समझो, बात समझ में आ रहा है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी हमने नियम कानून बताया है कि सब अपोजिट कर दो, ठीक ना, तो उल्टा उल्टा हम ले रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, तो इसके आप अपोजिट कर सकते हो, जैसे कि मान लो इधर से हम आए बैटरी का माइनस वाला मिल गया ना, तो बैटरी का जब माइनस वाला मिलेगा तो यहाँ पर माइनस रख सकते हो, और यहाँ पर क्या रख सकते हो, यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर पॉजिटिव रख सकते हो, लेकिन हम क्या उल्टा रख पा रहे हैं, सब उल्टा रखवा रहे हैं, है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि सब उल्टा रखवा रहे हैं, क्या कि यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो माइनस ले लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में मिल रहा है तो क्या ले लो पॉजिटिव ले लो, क्या बात समझ में आ रहा है, उल्टा रखवा रहे हैं कि डायरेक्शन सेम तो माइनस ले लो, माइनस मिल रहा है तो पॉजिटिव ले लो, उल्टा है ना, तो यही नियम पर आप भी काम करो, ये नियम एक ये नियम याद करो, बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये आई आर इधर चला जाएगा तो ई बराबर में आई आर, देखो ई बराबर में आई आर हम आपको एकदम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक सा सेंस के साथ आपको यहाँ पर हम बताए थे कि जितना वोल्टेज दोगे उतना ही वोल्टेज यहाँ पर खींचेगा ये, ठीक ना, जितना देगा उतना ही लेगा, ठीक ना, तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम यहाँ पर क्या आपको नियम से बता दिया, क्या इतना बात समझ में आ रहा है, उसी तरीके से देखो पास अगर आप उल्टा भी ले लोगे, उल्टा भी कि अगर आप जाना चाहो इधर से, जाना चाहो इधर से, आप आगे इधर से गए थे तो आप इधर से जाओ कि ए डी जाओ, फिर कहने का मतलब यह है कि आप ए फिर डी जाओ फिर सी जाओ फिर बी जाओ फिर ए आओ, ठीक ना, तो ए डी ए से डी की ओर जा रहे हो, तो ए डी से डी की ओर जा रहे हो तो आपको कौन मिल रहा है बैटरी का पॉजिटिव वाला, तो आप माइनस मिलोगे, क्या बात समझ में आ रहा है, अब इधर चले गए धारा का डायरेक्शन किधर, देखो धारा इधर से बढ़ रहा है, धारा का डायरेक्शन धनात्मक से ऋणात्मक में और होता है, इसीलिए धारा का डायरेक्शन ये होगा, और हम किधर से जा रहे हैं, ए से डी, डी से सी कुछ नहीं है, सी से बी देखो हम इधर जा रहे हैं ना, देखो डायरेक्शन धारा का डायरेक्शन इधर है, हमारा डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, यानी उसको क्या मिलोगे अपोजिट होगा, तो उसको पॉजिटिव में लेना है, उसको क्या मिलना है पॉजिटिव में भैया, तो आई इंटू आर हो जाएगा यहां से, और बराबर में जीरो, तो यहां पर भी ई बराबर में आ जाएगा आई आर, क्योंकि इसको इधर भेज दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, तो कोई भी कैसे भी पास ले लीजिए, बस बंद पास लेना है आपको, और बच्चा कुछ नहीं करना है उसमें, बस बंद पास लेकर के चलना है उसमें, उसमें कोई तीर नहीं मारना है, बस आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे, इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसा बात नहीं है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक, तो ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक, बस जुड़े रहना है, फ्री में सारे के सारे मैं चीजें आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फ्री में लीजिए आप, ठीक ना, हिचकिचाइए मत, उसी तरीके से अब इस पास में भी चल जाते हैं, इतना हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ला करके दिखाए थे, लेकिन अब इसी चीज को हम क्या करके लाएंगे, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, देखिए हम चल जाते हैं पी क्यू आर एस में, और पी में पी इधर से हम जाएंगे पी क्यू आर एस पी, इसमें चले जाते हैं, आप इधर से भी जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम इधर से जा रहे हैं, तो पी क्यू आर एस पी इधर से जा रहे हैं, अब यहां से पी से क्यू जाइए, पी से क्यू गए क्या मिला, कुछ नहीं मिला, अब Q से R जाइए, Q से R अगर चले गए तो Q से R में देखिए कितना वोल्टेज, यहाँ पर एक तो आई आर वन मिलेगा, यहाँ पर एक तो आई आर टू मिलेगा, धारा का डायरेक्शन देखिए किधर है, धारा का डायरेक्शन इधर ही तो है ना, और हमारा भी डायरेक्शन इधर ही, इसीलिए दोनों को माइनस मिलेंगे, अगर डायरेक्शन सेम होता है तो उसको माइनस मिल लेते हैं, ठीक ना, हमारे चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो हम आपको चिन्ह परिपाटी ऊपर बताए हैं, तो दोनों को माइनस मिले लिए, देखिए दोनों को माइनस में, अब यहां से आर से एस के बीच में कोई नहीं है, अब इधर से एस से पी की ओर, एस से पी की ओर हमारा डायरेक्शन है, और एस से पी की ओर जाते समय हमको क्या मिल रहा है माइनस, इधर भी माइनस मिल रहा है, तो दोनों को प्लस प्लस मिलेंगे, बात समझ में आ गया, अब ये दोनों को प्लस प्लस मिले लिए तो कुछ नहीं गुरु है, अब दोनों क्या कर दीजिए, दोनों को पंचांतर कर दीजिए कुल मिलाकर के, तो जो पंचांतर करेंगे भाई, जो पंचांतर कर देंगे तो आई आर वन इधर ले आइए दोनों को, दोनों पॉजिटिव में हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपको हम बेसिक सेंस के हिसाब से, मतलब एकदम कॉमन चीज है, एकदम भाई साहब हमने जैसे वीडियो को पहले बोला था एकदम कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगा, वही देखिए एकदम कॉमन चीज है, इसी को बढ़ा चढ़ा के बहुत कठिन बना दिया गया है, बात समझ में आ रहा है ना, मतलब कुछ टीचर्स होते हैं जो कठिन बना देते हैं, कुछ टीचर आपको आसान बना के देंगे, तो ये आई होप कि आपको आसान लग रहा होगा सर,
ठीक बच्चा, तो इतना आप समझ गए होगे, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये मत घबराइएगा कि इस पे न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, न्यूमेरिकल लगेगा। और भी बच्चे पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर न्यूमेरिकल आप लगवाते हैं कि नहीं, लगवाते हैं बच्चा, आपको ये न्यूमेरिकल दिखेगा, ठीक ना। ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रियली मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल एक ही चीज मांगता हूँ, केवल सपोर्ट के नाम पर इन वीडियोज को आप शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने और भी लोगों से बताया कीजिए कि यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो कभी निराश नहीं होगे, ठीक ना। और सारे के सारे चीजें फ्री हैं आज भी और हमेशा भी, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप मतलब सपोर्ट ही करना चाहते हो तो बस एक ही काम करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसके अलावा कुछ मत करो, ठीक ना। सपोर्ट के लिए बस इतना, केवल बटन को आप पे क्लिक करना है, कुछ देना नहीं है। और ये जो नोट्स है, ये शानदार हमने नोट्स बनाने के लिए बनाने की कोशिश की है, वो भी आपके लिए। देखो ये सारा का सारा नोट्स में आप एकदम क्लियरली सारा का सारा चीज पा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिस इज ओनली फॉर यू बाबू, ये तुम्हारे लिए केवल, ठीक ना। एकदम बच्चा एकदम समझ जाइए कि बाबू एकदम मैया आपके लिए है, तो आपके लिए है, बात समझ में आ रहा। तो आज के लिए बस इतना ही कर रखते हैं बच्चा, मिलते हैं एक नई वीडियो में और ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ, ठीक ना। बाय बाय, टाटा टाटा, बवाल कर दो यार, फोड़ दो साले को, ठीक ना, बवाल कर दो पढ़ के, ठीक।